आरती पर ना सब आरती करके
हरे कृष्ण जब एकदम कथा बैठ रहे आइए बैठो पूरी गुरु परंपरा को प्रभुपाद सहित चैतन्य महाप्रभु और यहाँ तक ही राधा गोपीनाथ राधा गोविंदेव राधा मदन मोहन जी और जगन्नाथ जी बलराम जी सुभद्रा जी सुदर्शन जी सबके चरणों में आज कोटि कोटि दंड ज्ञापन करते हुए समस्त ब्रह्मचारी गणों के चरणों में मेरा दंड प्रणाम है। उसके उपरांत समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड। आज हमारा सौभाग्य गुरुदेव गुरु परंपरा सहित हमारे साथ विराजमान है श्री गुरुदेव की। ये जो महामंत्र है हम सब कर रहे हैं और जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन हम सबका है। हम सच में सौभाग्यवान जीव हैं जो मनुष्य योनि प्राप्त करके सही दिशा में चल पड़े हैं। हमारे वश में नहीं है, हमारे आदत में नहीं है, क्योंकि माया इतनी प्रगाढ़ है। हम अच्छा यदि सोचे भी तो ऐसी व्यवस्था कर देती है कि अच्छा करने पर भी बुरे रिजल्ट आते हैं, लेकिन तो भी ऐसे करुणा वरुणालय गुरुदेव हमें इस संसार में देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत भी इसके अंदर अगर भक्ति की लिए श्रद्धा है तो वहां से उठा करके उसको सुंदर तरीके से पुचकार के साफ करके उसका हृदय निर्मल करके पुष्प बना करके गुरु वर्गों के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये गुरुदेव इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो आज हम सब गुरुदेव का दर्शन गुरुदेव का वंदन गुरुदेव की आरती गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु यहाँ पर उपस्थित है। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भगवान को बिना गुरु के प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि श्रद्धावान जीव है तो वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे सद्गुरु से मिला दीजिए, उनका दर्शन करा दीजिए। और भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, जिस प्रकार का हमारा हृदय होता है उसी प्रकार के गुरु हमें मिल जाते हैं। यदि हम कपटी होंगे तो कपटी गुरु होगा, यदि हम सरल होंगे तो सरल गुरु होगा। ये व्यवस्था हमारी इच्छाओं के अनुसार चलती है, क्योंकि इच्छा के अनुसार ही हम प्रार्थना करते हैं। यदि कपट रूपी प्रार्थना होगी तो कपट रूपी फल भी मिलेगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसीलिए ये भक्ति और कुछ नहीं, अपने आप को सरल करते हुए सेवा भाव में लगाना ही भक्ति है। भक्ति प्रेम को कहते हैं जो संसार का विषय नहीं, इस संसार में प्रेम नहीं मात्र काम है। तो भी ऐसे श्री हरि कृपा करके अपने पार्षदों को अपने निजगणों को यहाँ पर उस प्रेम को उनके हृदय में जो कि पहले से उपस्थित रहता है संग करके उसको भेज देते हैं, जाओ और इस प्रेम को वितरित कर दो। और ये मुक्त हस्तों से हम जैसे बद जीवों पर उपहार स्वरूप इस प्रेम को उड़ेल देते हैं। तो ऐसे सद्गुरुदेव और सद्गुरु परंपरा हमारी है, इसलिए इनके जोरदार
हरि बोल। कल हम श्रवण कर रहे थे कि श्री वेद व्यास जी जो किस प्रकार से प्रकट हुए, ये वेद व्यास जी हैं कौन। वेद व्यास जी का पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ये इनके पिताजी पराशर मुनि जब यमुना जी को पार करने के लिए वहाँ पर देख रहे थे कोई केवट नहीं है और आवाज़ लगा रहे थे कोई केवट है, कोई केवट है, हमें यमुना पार करा दो, हमें यमुना पार करा दो, तो वहाँ पर एक स्त्री प्रकट हो गई जिसका नाम था मत्स्यगंधा। ये मत्स्यगंधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये मत्स्य के मछली के पेट में से प्रकट हुई, इसलिए इनमें से जो गंध आती थी मछली जैसी आती थी, वैसी होते हुए भी वह मछली जैसी ना होकर के सुगंध में प्रतीत होती थी। तो वो पराशर मुनि के जब सामने प्रस्तुत हुई तो जो ऋषि मुनि होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, संत लोग होते हैं, वो एक अपनी दृष्टि से पहचान लेते हैं कि ये इसका हृदय कैसा है। वो जान गए ये साधारण स्त्री नहीं है, बड़ी ही सती स्त्री है। और जो मैंने इतने सारे ग्रंथ शास्त्र जो हैं लिखे हैं या जो मेरे हृदय में हैं उनको किस प्रकार से हम प्रचार करेंगे, प्रकाशित करेंगे, इस हेतु मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समस्त वेदों को पुनः प्रकाशित कर दे, समस्त शास्त्रों को पुनः प्रकाशित कर दे। इस हेतु उस देवी को उन पराशर मुनि ने दृष्टिपात किया है और दृष्टिपात करते ही वहाँ पर वह भयभीत होकर के कहने लगी, हे ऋषिवर यहाँ देखो चारों ओर जो है सब जगह से ऊपर से आकाश देवता देखते हैं, थल से मनुष्य देखते हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं अभी पुत्रवती होने वाली हूँ, पुत्र उत्पन्न होने वाला है, कृपा करके कुछ यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दो जिससे मैं इस पुत्र को प्रसूति कर सकूँ। तो पराशर मुनि ने वहाँ पर धुंध प्रकट कर दी है और वहाँ पर ये श्री वेद व्यास जी प्रकट हो गए। बोलो वेद व्यास जी महाराज की। वेद व्यास जी प्रकट हुए हैं कोई छोटे से शिशु की तरह नहीं, साक्षात मुनि रूप में, और कहा माते क्या आदेश है। कहा मुझे नहीं मालूम, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है, इनसे आदेश प्राप्त करो। पराशर मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है और पराशर मुनि ने आदेश दिया है, हे पुत्र मेरे पास जो भी विद्या है मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इसे सुंदर तरीके से तुम संकलित करके प्रचार करो, इस हेतु तुम्हारा अवतरण हुआ। ये वेद व्यास जी और कोई नहीं, साक्षात भगवान हरि के आवेश अवतार है। आवेश अवतार किसे कहते हैं, भगवान के बहुत अवतार होते हैं, कहीं आवेश अवतार है, कहीं युग अवतार है, कहीं मनवंतर अवतार है। आवेश अवतार मतलब होता है भगवान देखते हैं कि किस जीव में बड़ी सरलता है तो उसके अंदर अपना आवेश प्रकट कर देते हैं, अपने जैसा ही सब कुछ गुण संपन्न कर देते हैं और पूरा का पूरा भगवान जैसा ही उनको कर देते हैं, उस जीवात्मा को अपना आवेश प्रदान करके भगवत स्वरूप बना देते हैं, उसे बोलते हैं आवेश अवतार। तो इसीलिए वेद व्यास जी और कोई नहीं साक्षात हरि ही है। उन्होंने इस वेद को जो कि अभी तक ऋग्वेद के नाम से प्रचलित था उनको चार रूप में प्रकट किया, यजुर अथर्व और कौन सा है सामवेद, ऋग साम अथर्व और यजुर्वेद के रूप में उसको सुंदर तरीके से लिपिबद्ध किया। उसके उपरांत पुराण लिखे, उसके उपरांत पुराणों और वेदों का जो सार है उसको लिखने बैठे तो वो भी बहुत सारे लिख डाले जिन्हें बोलते उपनिषद। क्योंकि वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदों का सार। अब वेदों को हर कोई पढ़ता है तो उसमें जो है बड़ी ही एक तरह से फंस जाता है, कहीं पर तो लिखता है वेद बताते हैं कहीं पर कि भाई तुम पुण्य कार्य करो, कहीं पर बोलते हैं बलि करो, कहीं पर बोलते हैं यज्ञ करो, कहीं पर बोलते हैं इस तरीके से चलो, और उसमें पुण्य और पाप में ही आदमी फंस जाएगा यदि उसको सद्गुरु नहीं मिले तो। इस वजह से उन्होंने उपनिषद लिखे। उपनिषद में जो
108 उपनिषद जो लिखे वो भक्ति पूर्ण थे और उनके जो श्लोक हैं 550 के लगभग उन्हें वेदांत सूत्र बोलते हैं। वेदांत का मतलब ही यही है जो वेदों का सार है। वेदों का सार क्या है? वो है भक्ति। और वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी उनके हृदय में कोई शांति नहीं, प्रसन्नता नहीं। कारण उसका यही कि क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से भक्ति, भक्त और भगवान की लीलाओं को लिखा ही नहीं। अब वो बैठे हैं सरस्वती के तट पर और अपने गुरुदेव श्री नारद जी का स्मरण कर रहे हैं। हे गुरुदेव, मैंने इतना सब कुछ लिखा तो भी मेरा हृदय प्रसन्न नहीं होता, कृपा करें मुझ पर। तभी नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी प्रकट हो गए। कहा, व्यास जी क्यों चिंतित होते हो? उन्होंने सारी घटना बता दी। मैं इतने समय से सब कुछ लिख रहा था लेकिन आनंद नहीं होता है। तो आनंद होगा भी कैसे जब तुमने भगवान की कोई लीला नहीं लिखी? तुमने सारे पुराणों में कहीं पद्म पुराण लिख दिया, ब्रह्मा जी की स्तुति गा दी। कहीं पर तुमने शिव पुराण लिख दिया, शिव जी की स्तुति गा दी। कहीं पर काली की स्तुति गा दी, तो लोगों को भ्रमित कर दिया कि ब्रह्मा की पूजा करनी है या शिव की करनी है, गणेश की करनी है या काली की करनी है। लोग बाग तो भ्रमित हो गए, जबकि ईश्वर एक है। तुमने उनके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, इसीलिए तुम भगवान की लीलाओं को लिखो, भक्तों की लीलाओं को लिखो, जिससे कि उनको आनंद की अनुभूति हो और समस्त जीवों को एक सुंदर मार्ग प्रशस्त हो भक्ति का। तो उन्होंने कहा, क्या करूं मैं गुरुदेव? तुम चिंता मत करो, तुम ध्यान समाधि में बैठो और तुम्हें जो है बहुत ही जल्दी भगवान समस्त लीलाओं को दर्शन तुम्हारे हृदय में करा देंगे। अब वो समाधि में बैठे, समाधि में बैठते ही उनको समस्त लीलाएं भगवान की, भगवान के अवतारों की समस्त लीलाएं हृदय में दर्शन हुई और उसके उपरांत बड़े प्रसन्नचित होकर के श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखा, जिसमें सुंदर तरीके से 24 अवतारों की कथा और उसके बाद श्री कृष्ण ही पूर्णतम भगवान हैं इसका पूर्ण तरीके से उसमें उल्लेख किया। तो ये सारी की सारी बातें जो वेद व्यास जी ने लिखी, वही एज इट इज जैसी थी वैसे ही गुरु परंपरा के माध्यम से हमको मिलती है, जिसमें अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं होती। शास्त्र भगवान का ही एक शब्द ब्रह्म है, जो कि भगवान ने बातें कही, जो शास्त्र में जो है वो भगवान की मुख से निकली हुई बातें हैं। उनको यदि हम अपने मनगढ़ंत तरीके से उनको प्रकाशित करेंगे या उसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने जैसा देखा वैसा ही लिखा। यही आगे भी हमारे गुरुवर्ग इसी प्रकार से जो भी ग्रंथ प्रकाशित करते हैं उसमें अपने मन से कुछ नहीं जोड़ते, उसमें जैसा उनको अपने गुरुवर्गों से मिला वैसे ही आगे प्रस्तुत कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं पियोन हूँ। पियोन किसे बोलते हैं? चपरासी या डाकिया मान लीजिए, किसी पोस्ट ऑफिस का पियोन चपरासी या डाकिया। वो क्या करता है? कोई चिट्ठी आई आपके घर जानी है तो उस चिट्ठी में उसका ना लिखने का ना काटने का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे ही वो जाकर के जहाँ से मिलती है पोस्ट ऑफिस में आती है उसको ले जाकर के जो एड्रेस लिखा होता है वहाँ पहुँचा देता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भी ऐसे पियोन हैं, हमें जिस प्रकार से शास्त्र भगवान से प्रदत्त हुए हमारी गुरु परंपरा से, ठीक इसी प्रकार से हम समस्त जीवों तक पहुँचाते हैं। हम इसमें अपनी बुद्धि नहीं लड़ाते, जो वस्तु हमारे गुरुवर्गों ने हमें प्रदान की वही हम आगे प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये श्री वेद व्यास जी हमें सुंदर दर्शन प्रदर्शन करते हैं और ये गुरु परंपरा के माध्यम से हमें सुंदर भक्ति, जो कि भले ही कई जन्मों में मिले लेकिन रास्ता हमारा प्रशस्त जरूर कर दिया है। तो इसीलिए हम जितना हो सके इस जीवन में निर्मल हो जाएं और हरिनाम जप करें और हरिनाम संकीर्तन करें। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम संकीर्तन हरिनाम जप तो करना ही है, साथ में सेवा भी करनी है। देखो भक्ति का मतलब क्या है? ये हरिनाम जो जप हम यहाँ कर रहे हैं, ये हरिनाम जप जब सिद्ध अवस्था आ जाती है, अर्थात इस संसार से हम निकल करके भगवान के लोकों में जाते हैं, तो वहाँ पर ये हरिनाम जप की व्यवस्था नहीं है, लेकिन तो भी संकीर्तन की व्यवस्था है। लेकिन वहाँ सेवा करके भगवान से
प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। इसीलिए सेवा करने से कभी ना घबराएं, जो भी हो उस सेवा को आगे होकर के हमें करना चाहिए, चाहे वो मंदिर मार्जन हो, चाहे बर्तन मार्जन हो, चाहे रसोई करना हो, इन सब में और बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं और उनके शिष्यवर्ग बताते हैं कि यदि मठ के अंदर कोई भी कार्य ऐसा लगता है कि अन्य कोई नहीं कर रहा है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके कि मेरे गुरुदेव ने समस्त सेवाएं मेरे लिए छोड़ दी हैं और जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं एकमात्र मुझे ही करना है, ये विचार यदि मन में रहेगा तो हमेशा सेवा में हमारा मन लगा रहेगा। उसके उपरांत यदि कोई सेवा में सहयोग करने आ जाता है तो ये सोचना चाहिए कि ये जो है सेवा करने में मेरा सहयोगी है, उस पर बड़ी कृपा करके उससे प्रेम करना चाहिए। वैष्णवों का ये प्रीति भाव, गुरुवर्ग से प्रीति तब होगी जब हम वैष्णव से प्रीति करेंगे। इस वजह से हमें ये जो व्यास पूजा है इसमें हमें गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे गुरुदेव हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर इत्यादि सब कुछ भरा पड़ा है, कृपा करके इसकी सफाई कर दीजिए और जो आप आनंद की अनुभूति करते हैं उसका छीटा कूटा हम पर डाल दीजिए, जिससे कि हम निर्मल होकर के हम भी हरिनाम कर सकें, सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी करता हूँ। क्या लंबा क्यों नहीं हो रहा तार? महाराज जी का माइक कहाँ है? अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमारतम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। विगत दो दिनों से हम लोग श्री व्यास पूजा, श्री वेद व्यास जी की महिमा श्रवण कर रहे हैं। गुरु तत्व के विषय में भी हमने काफ़ी कुछ श्रवण, कल भी मैं जब पूछ रहा था आने के बाद में तपन प्रभु से क्या हरिकथा हुई क्या सब हुआ, वो बतला रहे थे प्रभु जी श्रीपद नवीन कृष्ण प्रभु जी और तपन प्रभु दोनों मिलके गुरु तत्व के विषय में, और काफ़ी हम लोगों ने श्रवण किया है। शास्त्रों में गुरु के साथ साथ जो गुरु के लक्षण बताए हैं उनके विषय में आप सब ने थोड़ा बहुत श्रवण किया होगा, लेकिन तो एक सदशिष्य के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी उसके ऊपर कुछ बोलने के लिए, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। हमने गुरुदेव के मुखारविंद से एक बार श्रवण किया था कि इस प्रकार शिष्य की अलग अलग कोटि बताई गई है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। जो गुरुदेव आदेश हमें दे रहे हैं शिष्य की योग्यता को देखकर, यदि गुरुदेव कुछ आदेश देते हैं उस आदेश को पालन जो करता है उसे बताया कनिष्ठ शिष्य। अर्थात गुरु के आदेश को सर्वोपरि मान के और उसका पालन करना, ये कनिष्ठ शिष्य का लक्षण बताया। उसके बाद में बताया मध्यम। मध्यम किसको बताया है कि गुरुदेव को आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गुरुदेव के हृदय के भाव को जान के ही, गुरुदेव क्या चाहते हैं उसको जान के जो पालन करेगा वो मध्यम। लेकिन इससे भी ऊँची एक कैटेगरी बताई है, वो बताया उत्तम शिष्य। उत्तम शिष्य किसको कहा कि गुरुदेव ने जो आदेश दिया है यदि उसके विपरीत भी जाना पड़े तो उसके विपरीत जाकर भी गुरु सेवा के उद्देश्य से उस कार्य को करेगा। उदाहरण के माध्यम से जो कनिष्ठ, बाकी दोनों तो हम मध्यम और कनिष्ठ इन दोनों को तो हम साधारण रूप में समझ सकते हैं, उत्तम शिष्य के विषय में जैसे हमारे एक आचार्य हुए श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, जिनकी तिथि अभी कुछ दिन पहले गई होगी, उनके जीवन चरित्र में ये देखा जाता है, यद्यपि हमारे गुरुवर्गों सब ही उत्तम सेवक हैं किंतु एक उनके जीवन की घटना के माध्यम से मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ किस प्रकार उन्होंने गुरु सेवा के लिए गुरु आज्ञा के विपरीत जाकर भी किया और बाद में उनके गुरुदेव उससे संतुष्ट ही हुए।
एक समय पर वृंदावन श्री चैतन्य गौड़ी मठ के अंदर कुछ एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, जिसके अंदर महाप्रभु की और कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं दिखाई गई थी। तो काफ़ी बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुई और उस समय पर उसको देखने के लिए पूरे मथुरा से वृंदावन के काफ़ी सारे गणमान्य लोग आए। तो उस समय पर क्या हुआ, उन्होंने उनसे पहले एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने से पहले श्रील महाराज ने अपने गुरुदेव से बोला कि इस तरह की एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे और मेरा विचार है दर्शकों के लिए हम 3 रोज बना देते हैं, 3 क्यूज़ के अंदर, 3 लाइनों के अंदर वो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। तो बोले 3 की जरूरत, उनके गुरुदेव ने कहते हैं कि बोले 3 की जरूरत नहीं है, आप 2 लाइन बनाओ, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुष के लिए, तीसरी लाइन की क्या ज़रूरत। तो फिर भी इन्होंने क्या किया, गुरुदेव ने आदेश दिया है 2 लाइन बनाना, इन्होंने उसके विपरीत जाके 3 लाइन बनाई। बाद में जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुई, काफ़ी लोग आए, काफ़ी भीड़ बढ़ गई, तो जब श्रील भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज इनके गुरुपाद पद्म उनके काफ़ी जब उनसे उनके गुरु भाइयों ने जो काफ़ी वृद्ध थे, प्रभुपाद के अन्य अन्य शिष्य इनके गुरु भाई जो कुछ वृद्ध थे, उन्होंने अनुरोध किया कि आपके मठ में इस तरह की एग्जीबिशन हुई है, हम देखना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस समय पर श्रील महाराज श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज को स्मरण आया कि किस प्रकार इन्होंने एक 3री लाइन की व्यवस्था करी है जिसके अंदर कुछ वृद्ध लोग या ऐसे जो लोग वृद्ध लोग हैं वो जाकर और एग्जीबिशन का सुष्ठ रूप में दर्शन कर सकते हैं बिना किसी असुविधा के। तो उस समय पर उसी 3री लाइन का उपयोग करते हुए इन महाराज इन्होंने सबको दर्शन करवाया और बाद में इनके गुरुदेव इससे संतुष्ट ही हुए। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार गुरु आज्ञा के विपरीत जाकर भी इन्होंने गुरु सेवा करी। तो इसको बतलाया उत्तम शिष्य। तो इस तरह से बताया कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कभी कभी गुरुदेव बतला देते इन ये तीन कैटेगरी तो है, लेकिन इसके अलावा भी एक होती है, कौन सी, अधम, जो गुरुदेव का आदेश कहने पर भी नहीं मानते। इसके अंदर गुरुदेव बतला देते किस प्रकार, जैसे एक उदाहरण देते थे बाण का, धनुष बाण होता है ना, किस प्रकार धनुष से जब बाण निकलता है एक बार वापस नहीं आता। गुरुदेव ने कभी किसी शिष्य को बुलाया, बोले तुम अमुक काम कर दो, तुम ये सेवा कर दो, तुम ये काम कर दो, तो क्या करेगा, सुनने से पूरा आदेश सुनने से पहले ही ऐसा जाएगा एक बाण की तरह पूरा भागते हुए जाएगा और वापस ही नहीं आएगा। अर्थात सेवा पूर्ण करने की तो बात छोड़ो, गुरुदेव कहीं वापस कुछ आदेश ना दे दे इस चक्कर से वापस ही नहीं आएगा, ये एक अधम शिष्य है। और एक शिष्य की कैटेगरी बताई, जैसे एक भ्रमर देखा है ना, भ्रमर कैसे गुनगुन गुनगुन करता है, तो ऐसे ही गुरुदेव ने कुछ आदेश दिया, बोले तुम अमुक सेवा कर दो, पूरे दिन भर रटता रहेगा कि गुरुदेव ने ये आदेश दिया है, गुरुदेव ने ये आदेश दिया है, गुरुदेव ने ये आदेश दिया है, लेकिन उस सेवा को करना, उसको पालन करना, उसके विषय में कोई विचार विमर्श नहीं। और एक क्या होते हैं, जो गुरुदेव ने कुछ आदेश दिया वो किसी और को आदेश दे देंगे, गुरुदेव ने तुम्हारी योग्यता देखकर तुम्हें कुछ आदेश दिया है तो तुम्हारी वो सेवा तुम्हारे लिए है, और किसी को उसमें यदि आगे से आके कोई योगदान कर रहा है तो वो बात ठीक है, लेकिन तुम खुद वो सेवा किसी और को तुम आदेश दे रहे हो, तो ये बताया ये सारे अधम शिष्य हैं। इसलिए शास्त्रों में कई कई उदाहरण आए हैं शिष्यों के, किस प्रकार शिष्य का एक जीवन चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार शिष्य को गुरुदेव के शरणागत होके और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। साधारण रूप में देखो जगत के लोग एकलव्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते हैं, सुनते हैं ना हम लोग एकलव्य, जैसे शिष्यों का नाम आता है, एकलव्य ने अपने गुरुदेव का आदेश मान के उन्होंने क्या अपना अंगूठा भी दे दिया। क्या हुआ था कि एकलव्य कभी पहुंचे थे गुरु द्रोणाचार्य के पास में कि आप हमें धनुर्विद्या सिखाइए, तो एकलव्य द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो इनका उद्देश्य ठीक नहीं था, ये क्या चाहते थे, पांडवों के विपरीत एकलव्य द्रोणाचार्य गुरु क्या है, वो तो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं, तो उन्हें पता था ये परवर्ती काल में क्या पांडवों के विपरीत जाएंगे, पांडवों के विपरीत होंगे और मेरी जो विद्या है इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको सुनाने धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। बाद में क्या हुआ, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से ही धनुर्विद्या सीखी। बोलो श्री गुरुदेव की। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति से ही धनुर्विद्या सीखी। कभी द्रोणाचार्य जब जंगल में जा रहे थे तो उनको देखकर कोई कुत्ता भौंक पड़ा, तो इन्होंने उस कुत्ते को इस तरह से बाण मारा, शब्द वेदी विद्या जानते थे, तो उस कुत्ते को इस तरह से बाण मारा कि उसको मारा भी नहीं और उसका मुख एक तरह से बंद हो गया कि वो और शब्द नहीं कर रहा। जब द्रोणाचार्य ने ये चीज़ देखी कि इस तरह से किसने बाण मारा है, तो वो देख के जिस तरफ से बाण आया था उसकी दिशा में जाकर देखा, तो उन्होंने एकलव्य को देखा, बोले तुम इतने पारंगत किस प्रकार हुए, तुम्हारा गुरु कौन है,
तो इन्होंने कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, तो मैंने तो तुम्हें कोई विद्या सिखाई नहीं। तब इन्होंने कहा कि मैंने आपकी मूर्ति बना के उसी से ही विद्या सीखी। इससे उनके गुरुदेव बड़े असंतुष्ट हुए कि मेरे ना सिखाने पर भी इन्होंने इस विद्या को सीखा। तब इन्होंने क्या किया कि तुम अपना अंगूठा, तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, तुम अपना अंगूठा, सीधे हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तो एकलव्य ने क्या किया, अपना अंगूठा काट के और दे दिया। तो साधारण लोग क्या समझते हैं कि एकलव्य सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हुआ, क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश पालन करने के लिए उन्होंने अपना अंगूठा भी काट के दे दिया। लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या गुरुदेव उससे संतुष्ट थे? गुरुदेव नहीं चाहते थे कि एकलव्य धनुर्विद्या सीखे, उनके विपरीत जाकर इन्होंने धनुर्विद्या सीखी, और जिससे गुरुदेव बड़े असंतुष्ट हुए। यद्यपि वे बड़े निष्णात हो गए थे, बड़े पारंगत हो गए थे धनुर्विद्या में, लेकिन फिर भी वो एक सद्य शिष्य नहीं है। उसके बाद में उदाहरण आता है किस प्रकार, जैसे भीष्म पितामह जो देवव्रत थे, उन्होंने भी क्या किया, अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव कौन है, परशुराम जी। कवि परशुराम जी से जब स्वयंवर करके और वो अम्बा अम्बालिका इन तीनों को लेकर आए थे, तो उस समय पर इन्होंने दो का तो विवाह कर दिया, तीसरी ने कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए, आप मुझे स्वयंवर में लेकर आए हैं तो मैं आप ही से विवाह करूंगी। तो उस समय पर इन्होंने क्या, एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। तो इन्होंने अपने गुरुदेव, ये अपने गुरुदेव के पास में चली गए, तो इनके गुरुदेव ने इन्हें आदेश दिया कि तुम इससे विवाह कर लो। तो दो ऑप्शन दिए उन्होंने, या तो इनसे विवाह करो या फिर मुझसे युद्ध करो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए गुरु के विपरीत गए, गुरुदेव से युद्ध करना आरंभ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने आके इन दोनों को शांत किया। तो यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से क्या बतला रहे हैं कि गुरु की जो अपनी प्रतिज्ञा आगे रखते हैं, अर्थात हमने जो संकल्प किया है, हम जो चाहते हैं वो पहले हो, गुरु क्या चाहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। जो गुरुदेव के पास में आते हैं, लेकिन किससे, गुरुदेव आप जो हमें हरी कथा सुना रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारी संसार की ये समस्या है, आप इसे पहले समाधान कर दीजिए, हम इस तरह का चाहते हैं, आप हमारी इच्छा अनुसार चलिए। नहीं, गुरुदेव जैसा चाहते हैं उस प्रकार यदि कोई शिष्य चल रहा है तो वो एक सदशिष्य है। इसलिए ये दोनों तो बताया, ये सब ये कोई सदशिष्य नहीं हुए हैं, यद्यपि ये काफ़ी श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी इनसे श्रेष्ठ एक उदाहरण बतलाया उपमन्यु उदालक का। किस प्रकार, उपमन्यु क्या था, उपमन्यु कभी गुरुग्रह में गए, इनका बड़ा विस्तृत चरित्र है, किस प्रकार इनकी माँ से इन्होंने जाकर पूछा कि मैं किसकी संतान हूँ, और इन्होंने ये सत्य, बड़े सत्य बोलते थे, इनकी माँ ने काफ़ी ऋषियों की सेवा करी थी, इसलिए इनकी माँ को पता नहीं था कि ये किस, इनके पिता कौन है। तो इनकी माँ ने कहा कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम गुरुदेव से जाकर यही बात कह देना। जब इन्होंने जाकर गुरुदेव से यही बात कही तो गुरुदेव बोले तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ही इतना सत्यवादी हो सकता है, कोई निष्कपट, कोई एकदम सत्य इस तरह से बोल सकता है निर्भीक होके कि मुझे अपने पिता का पता नहीं, मेरी माँ ने ये चीज़ कही कि मुझे अपने पिता का पता नहीं, कोई ऐसा निर्भीक सत्य कह नहीं सकता। तो इसलिए इनके गुरुदेव बड़े संतुष्ट हुए, इनके गुरुदेव ने इनको क्या किया शिक्षा देने के लिए राजी हो गए। अभी गुरुग्रह में आने के बाद में सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि देखो सब जगह पर आप विधान देखोगे, जहाँ पर भी एक शिष्य गुरु के आश्रम में जाता है, स्वयं भगवान कृष्ण भी जब गुरुग्रह में गए हैं तो उन्होंने सेवा करी है। हम लोग श्रवण करते हैं ना किस प्रकार सुदामा और कृष्ण गुरु सेवा का, गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए सर पर लकड़ी ढोढो के लाते थे। तो इसलिए सेवा का बड़ा, प्रभु जी भी अभी उसी विषय में वर्णन कर रहे थे, सेवा का विधान सब जगह पर है। लोग सोचते हैं कि यदि हम शास्त्र अध्ययन कर करके या फिर सिर्फ हरिनाम से ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, नहीं, शास्त्रों में बतलाया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादो स्वयमेव स्फुरित्यद। क्या बता रहे हैं, सेवोन्मुख ही जीवादो, कि जिनकी इंद्रिया सेवोन्मुख है, सेवोन्मुख शब्द है, सेवोन्मुख अर्थात सेवा के प्रति उन्मुख है, सेवा करने के लिए आतुर हैं, जिनको सब समय सेवा के लिए तत्परता रहती है, ऐसे जीवों के हृदय में क्या होगा, ये हरिनाम स्फुरित होगा, जो सिद्ध हरिनाम है। इसलिए सेवा का विधान था। तो इनको भी गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम क्या करो, अभी बारिश हो रही है, हम खेती करते हैं, तो तुम जाकर जो मेड़ लगी है खेत में, तुम उस मेड़ की रक्षा करो, क्योंकि बारिश के समय पर क्या होता है, मेड़ टूट जाती है, पानी सारा बह के चला जाएगा, तो खेती ठीक से नहीं होगी। तो गुरुदेव का आदेश पालन करके ये गए, अभी ठंड का समय था, बारिश हो रही है ऊपर से, और इन्होंने खेत में जाकर क्या देखा कि सचमुच में मेड़ टूट गई। तो मेड़ बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, वापस मिट्टी लगाने लगे, लेकिन बारिश बड़ी ज़ोर से हो रही थी, बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी, वह जितनी चेष्टा कर रहे थे मेड़ फिर टूटे टूटे जा रही थी। तो अंततः इन्होंने क्या किया, स्वयं ही वहाँ पर लेट गए,
वहाँ पर मिट्टी रुक नहीं रही थी, तो पानी को रोकने के लिए स्वयं ही वहाँ पर लेट गए। अभी पूरी रात घनघोर बारिश होती रही और गुरुदेव यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि अब तक शिष्य आया नहीं वापस, उपमन्यु कहाँ चला गया। तो उस समय पर गुरुदेव स्वयं निकल गए इनकी खोज करने के लिए। वहाँ पर गुरुदेव इनकी खोज करते करते जब खेत में आए, देखा कि ये तो खेत में लेटे हुए हैं। बस इतना मात्र देखना था, वहाँ पर गुरुदेव ने देखा कि किस प्रकार उपमन्यु लेटा हुआ है और ठिठुर रहा है, जोर से बारिश हो रही है। गुरुदेव ने इतना बस देखा ही था कि उनके हृदय विगलित हो गया। उनका हृदय विगलित होकर उन्होंने क्या किया, उनके हृदय में जितना वेद पुराण इत्यादि ज्ञान था वो सब उनके शिष्य के हृदय में स्फुरित हो गया। ये एक सद शिष्य का लक्षण बताया कि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए स्वयं की चिंता नहीं करी, क्या किए, स्वयं ही वहाँ पर लेट गए। और एक उदाहरण आता है उदालक का। उदालक ये भी कभी गुरुग्रह में गए तो गुरुदेव ने इनको क्या किया, गौचारण, उपमन्यु जो हमने जो पहले श्रवण किया, जो खेत में मेड़ लगाई थी, वो उदालक का जीवन चरित्र है। और उपमन्यु ने क्या किया, उपमन्यु ने गौचारण करने जाते थे। गौचारण करने के लिए कभी गुरुदेव ने उनको आदेश दिया, क्योंकि पहले के समय पे क्या होता था, ऐसा नहीं, गुरुदेव क्या कह देते थे, बोले 100 गाय तुम ले जाओ, जब ये 1000 गाय हो जाए तब फिर वापस आ जाना। अर्थात इनको गौचारण करो, ये गाय जब बछड़े देगी, बछड़े से जब गौ वृद्धि हो जाएगी, उस समय पर कुछ सालों के पश्चात फिर वापस गौचारण करके बाद में शिष्य गुरुग्रह में आते थे। तो इस प्रकार जब गौचारण के लिए निकले तो बीच में कभी आए तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम खाते क्या हो, तुम तो बड़े मोटे छोटे हो रहे हो, तुमको देखकर तो लगता है तुम बड़े मोटे छोटे हो रहे हो, क्या खाते हो। तो बोले गुरुदेव जो गैया का दूध होता है वो मैं पान कर लेता हूँ, गैया का दूध पी लेता हूँ। बोले नहीं नहीं गैया का दूध मत पीना, गैया का दूध बछड़े के लिए है, तुम उसका हिस्सा ले रहे हो, तुम गैया का दूध मत पीना। तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन क्या खाना है ये चीज़ नहीं बताया, ये कह दिया कि जो दूध पीते हो वो दूध मत पीना, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस वो गौचारण कराने लगे, फिर वापस जब देखा फिर वापस वैसे के वैसे ही तगड़े। गुरुदेव ने पूछा तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, क्या चक्कर है। उन्होंने बोला कि जब गैया बछड़े को दूध पिलाती है तो दूध बछड़े के मुंह से थोड़ा फैन निकलता है, तो मैं उस फैन को खा लेता हूँ, वही फैन खा के और मेरी ऐसे रिष्ट पुष्ट हूँ, हेल्थ ठीक है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं वो भी तुम्हारे लिए नहीं है, वो बछड़े का भोग है, बाद में क्या बछड़ा उसी को अंदर ले लेके और अपनी शुदा निवृत्ति करता है, तो तुम उसे भी मत खाना। तो गुरुदेव हर बार आदेश दे रहे हैं कि ये मत खाना ये मत खाना, लेकिन ये नहीं बतलाया क्या खाना है, क्या खाना है। अब ये क्या कर रहे, जब गौचारण कराते वक्त इनको भूख लगी तो आकंद का पत्ता था, उसका कभी पान करते करते क्या हुआ, ये अंधे हो गए, अंधे हो गए। और अंधे होते होते इन्होंने क्या किया, कुएं में गिर गए। गौचारण करते करते अंधे हो गए, कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए तो उस समय पर गुरुदेव को चिंता हुई, बोले शिष्य अभी तक आया नहीं। जब इनके गुरुदेव खोज करने के लिए निकले, बोले शिष्य तुम कहाँ हो, तब जाकर देखा वो कुएं में गिरा हुआ है। उससे समय पे क्या हुआ, उसको अंधा देखकर, इनकी गुरु भक्ति देखकर, गुरु में कितनी निष्ठा है उस चीज़ को देखकर स्वयं वहाँ पर अश्विनी कुमार आ गए और हाथ में खीर लेकर आए हैं, बोले तुम ये ग्रहण कर लो और इसको खाने से तुम्हारी आँखें वापस आ जाएगी। बोले नहीं मेरे गुरुदेव ने कुछ खाने के लिए मना किया है, इसलिए मैं ये खीर ग्रहण नहीं कर सकता, गुरुदेव यदि आदेश देंगे तो फिर मैं ये खीर खा लूँगा। तो स्वयं गुरुदेव वहाँ पर उपस्थित हुए और उस समय पर उनके सिर पर हाथ रखा तो उनकी आँखें भी वापस आ गई और सारा वेद पुराण का इतिहास, जो सारा उनका ज्ञान था, उनके हृदय में स्फुरित हो गया। तो इस प्रकार शिष्य के, अलग अलग शिष्यों के उदाहरण बताए गए हैं, लेकिन इससे भी एक सर्वश्रेष्ठ कोटि बताई है। क्या इससे श्रेष्ठ उदाहरण बताया, जैसे शबरी का। शबरी ने क्या किया, शबरी आप पूरा विस्तृत जीवन चरित्र है आप लोग जानते हैं शबरी के विषय में, किस प्रकार वो अपने घर छोड़ के गुरु आश्रम में आ गई थी। मतंग मुनि ने उनको अपने आश्रम में रहकर और हरिकथा श्रवण करने का आदेश दिया, सारे ब्राह्मण वहाँ से चले गए थे और उसके बाद में गुरुदेव ये कहकर गए थे, बोले पुत्री तुम यहीं रहना, तुम इसी आश्रम में रहना, बाद में क्या होगा, स्वयं भगवान राम आएंगे, तुम्हें उनके दर्शन होंगे। गुरुदेव ने ये तो कह दिया कि भगवान राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताया, कब आएंगे ये नहीं बताया। तो शबरी क्या करती है, प्रत्येक दिन का उसका नियम है कि गुरुदेव ने कहा था भगवान राम आएंगे, ऐसा ना हो कि आज ही आ जाए। रोज़ सुबह सुबह उठती है, आश्रम की सफाई करती है, आश्रम से लेकर राजमार्ग तक का जो रास्ता है उस पर झाड़ू लगा के और सुंदर सुंदर फूल बिछा देती है, वन से सुंदर फल ले आती है, मीठे मीठे चयन करके फल ले आती है और
भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही है, राम नाम का कीर्तन कर रही है। है हो ना हो आज ही भगवान राम आ जाए। अभी पूरा दिन निकल जाता है, भगवान आते नहीं। अगले दिन फिर वापस यही दिनचर्या। तो ऐसे करते 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 जब जवान थी तब गुरुदेव ने यह आदेश दिया था और पूरी वृद्ध हो गई उस समय पर भगवान राम ने आके इनको दर्शन दिए। किस लिए? क्योंकि गुरुदेव कह के गए हैं ना, गुरु के अपने भक्त के आदेश का, अपने भक्त के वाक्य की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान राम वहां पर आए हैं और इस शबरी को दर्शन दिया। तो शबरी की किस प्रकार निष्ठा थी गुरु के वाक्यों में? हम रोज गाने के लिए तो गा देते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिय एका आर न करी है मने आशा, लेकिन मन में कितनी आशाएं हैं और कितनी गुरु वाक्यों में निष्ठा है इसका विचार करना पड़ेगा, इसका विचार करना पड़ेगा। लेकिन शबरी से भी सर्वश्रेष्ठ कोटि एक बताई है, कई कई उदाहरण, लेकिन सीधा मैं शॉर्ट में आपको बतला रहा हूँ। जैसे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के सेवा करी है श्री रूप गोस्वामी पाद ने, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा, श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो उनके सेवक गोविंद वो भी कई प्रकार की सेवा करते थे, श्रीमन महाप्रभु की साक्षात सेवा करते थे, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बताया है श्री रूप गोस्वामी पाद की सेवा। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के मनोभिष्ट पूर्ण किया, मनोभिष्ट अर्थात उनके हृदयगत भावों को जान के और जिस प्रकार की सेवा श्रीमन महाप्रभु उनसे चाहते थे उस प्रकार की सेवा उन्होंने संपूर्ण करी है। इसीलिए वेदव्यास की पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा, ये व्यास पूजा का जो अनुष्ठान है ये आज विचार करने का दिन है। और सचमुच में अगर गुरु पूजा के नाम पे गुरुदेव को एक माला दे देना, उनके आलेख को चंदन लगा देना या फिर उनके चरणों में पुष्प देके कुछ प्रणामी वस्त्र इत्यादि दे देना, ये भी एक तरह की व्यास पूजा है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यास पूजा श्री चैतन्य भागवत में, श्री चैतन्य भागवत की टीका में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने कहा है कि व्यास पूजा का एक और अर्थ है पाद्य अर्पण। पाद्य अर्पण मतलब शरणागत, शरणागत होना। तो गुरु चरण में शरणागत होके, शरणागत भी ऐसे नहीं सिर्फ मुख से, काय मन वाक्य तीनों से शरणागत होके और गुरु हमसे जो चाहते हैं, गुरु हमसे जो चाहते हैं उस चीज को यदि हम कर पाए किसी जीवन में तो हम ठीक ठीक रूप में व्यास पूजा पालन कर पाएंगे। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पजानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं बोल देता ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाख्य चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी इति नाम। सर्वप्रथम मैं अपने पूज्य पाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में असंख्य कोटि पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उपस्थित सभी वैष्णववृंद, भक्तवृंद, माता पिता, भाई बहन सभी के श्री चरण कमलों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। एक बार जरा जोर से बोलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ये तो आप सब अच्छे से जान ही गए हैं कि आज गुरु पूजा का दिन है। कहते हैं कि गुरु कृपा और एक है भगवान की कृपा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान से भी बड़ी है गुरु कृपा। और जैसा कि आपने बहुत बार सुना भी होगा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागूं पा,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझसे भी बड़े गुरु हैं, और ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत, ये आदर्श भगवान ने स्वयं स्थापित किया है। आप जानते हैं जब त्रेता युग में भगवान श्री राम आए तो भगवान खुद भगवान होते हुए भी उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरुकरण किया सांदीपनि गुरु के रूप में, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु ने भी पूज्यपाद श्री ईश्वरपुरी पाद जी को अपना गुरु बनाया। भगवान की कृपा से मनुष्यतन मिलता है, लेकिन गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की कृपा से बड़ी है गुरु की कृपा। और गुरु को कई बार शास्त्रों में आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा कि गुरु की जो उपमा है, गुरु की जो तुलना है, वो पारस से की गई है, पारस पत्थर से की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ ये तुलना भी बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर से लोहे को सोना बनाया जा सकता है, लेकिन उस सोने से दोबारा लोहे को सोना नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर गुरुदेव ने किसी को अपना शिष्य बनाया तो एक दिन ऐसी स्थिति गुरुदेव कर देते हैं कि वो शिष्य ही गुरु बनके दूसरों को भी अपना शिष्य बना देते हैं। तो इसलिए गुरु का महत्व और गुरु की कृपा इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि शास्त्र में ये बात लिखी गई है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी वृक्ष हैं उन वृक्ष को हम कलम के रूप में बना दें, और जितने भी समुद्र हैं उन समुद्रों को हम स्याही बना दें, और आकाश को और धरातल को हम पृष्ठ बना दें, पेज बना दें, तो भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की दिन है कि, और एक बात और है कि जैसे कहते हैं ना कि जब सूर्य उदय होता है तो वो तो अपना प्रकाश सब जगह हर जगह भेजता है, लेकिन अगर कोई बंद कमरे में बैठा हुआ हो तो उस प्रकाश की अनुभूति कैसे करेगा। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव भी अपनी कृपा सब पर करते हैं, लेकिन ये तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि हम गुरुदेव के पास जाके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके और उनका शिष्यत्व ग्रहण करें। तो आज ये हम सब के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि आज एक हमें गुरु के चरणों में रहकर अपने आप को समर्पित करने का एक सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर को बिना गंवाए ही हमें इसका भरपूर भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। पतिता नाम पावनी दिव्यश भवेत्। आगे को जाओ, सब आगे को जाओ। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने। सर्वप्रथम मैं पूरे पूज्यपाद गुरुदेव जम विष्णुपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम ज्ञापन करता हूँ।
उसके उपरांत जय नित्य लीला प्रभु शौंक शुकाशी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, जय नित्य लीला प्रभु शौंक शुकाशी भक्ति वेदांत श्री श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज के चरणों में अनंत कोटि धर्म करना ज्ञापन करते हुए यहाँ पर सभी वैष्णव सभी को आज पिछले 3 दिनों से गुरुदेव व्यास पूजा मना रहे हैं फरीदाबाद में, नोएडा में, बड़ी गाँव में, एक एक दिन में गुरुदेव ने 3-3 जगह जाकर व्यास पूजा मनाई है। तो ऐसे गुरुदेव हमारे हैं और हम लोग जो हैं ऐसे बस जीव हैं कि जैसे आप गुरु जी आए हैं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और अपने अपने ऊपर कोई मत देना। मैं आज 4 दिन के बाद आज मंदिर में आया हूँ, मैं 4 दिन के बाद मंदिर में आया हूँ, तो मैं ऐसा बदजीव हूँ, तो मेरे जैसा बदजीव कोई ना बने कि गुरुदेव आए हैं तो गुरुदेव के सामने हम आ रहे हैं सब लोग, कितनी काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई अपना काम छोड़ दे कोई छोड़ दे, और मेरा घर तो बिल्कुल पास में ही है, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है सर, 5 मिनट में आ सकता हूँ मैं सुबह, पर मैं नहीं आ सकता। मेरा कितना मतलब दुर्भाग्य है कि मैं मंदिर में नहीं आ सकता, आज गुरुदेव आए तो मैं मंदिर में आया, गुरुदेव का दोपहर को भी दर्शन करा, शाम को भी करा, और एक हाउस प्रोग्राम में गए थे वहाँ भी करा। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गुरु पूर्णिमा, गुरु व्यास पूजा, गुरु पूजा जो मना रहे हैं इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि गुरुदेव हर वक्त हमारे साथ हैं, 24 घंटे हमारे हृदय में हैं गुरुदेव। ये नहीं है कि मंदिर में गुरुदेव नहीं है या किसी कार्य से भर गए हैं या कथा में गए हैं, यहाँ गुरुदेव नहीं है। पिछले दिनों से जो 2-3 दिन गुरुदेव नहीं थे, देखा मैंने यहाँ पे फेसबुक पे देख रहा था, मैं कथा देख रहा था, एक दिन तो 20-25 लोग ही थे, उससे बाद में एक दिन 30-35 भी होंगे आ जाते हैं, और आज कितने हैं 200 कम से कम, और इससे भी ज़्यादा अभी आधा घंटे बाद और कम से कम 100 तो बढ़ जाएंगे कम से कम। ये व्यास पूजा की महत्ता है, तो आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यहाँ पे रोजाना मंदिर में आइए। अभी हमारे जो है ना गजेंद्र प्रभु कथा सुना रहे थे ना, कितने मतलब शिष्य का कितने उदाहरण दिए उन्होंने समझा करके कि हमें ये समझना पड़ेगा गुरुदेव हमारे से क्या चाह रहे हैं। गुरुदेव ने बता तो दिया भैया ये काम कर दो, अब पीछे को मुड़ के कहीं खा तो गुरुदेव जी कह रहे थे जरा एक बार जो काम करवा दो जरा कर दो, तो ये काम करना नहीं होता। गुरुदेव के मन की बात, गुरुदेव के हृदय की बात हमको समझनी पड़ेगी, गुरुदेव का भाव क्या है, गुरुदेव हमें यहाँ क्या देने के लिए आए हैं, गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। अगर ये बात हम नहीं समझे तो हमें गुरु से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र धारण करना बिल्कुल बेकार है। तो आप सभी से प्रार्थना है ये गुरुदेव की जो पानी है इसका हमें बिल्कुल ये अपने मन में धारण करना है कि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, हमारे से क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है, मंदिर में आना है नहीं आना, क्या करना अपने मन में धारण करने पड़ेगा। अभी गुरुदेव कई दिन पहले कथा सुना रहे थे, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, डांट डपट के भेजते हैं बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, डांट डपट के स्कूल भेजते हैं, क्या हम उसके अपने बच्चों को घर में सुबह उठने खाने से सुबह उनको स्कूल भेजते हैं, उनको करने से पहले जगाने से पहले उसे ये नहीं कह सकते कि तुम आके यहाँ बैठ के भक्ति करो, मंदिर चलो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, 2 माला करो भगवान की, हम ये नहीं कह सकते उनसे। जब हमारे घर पे हमारी गृहिणी बच्चे को स्कूल भेजती हैं, सुबह उठाती हैं जल्दी 6 बजे बस आएगी, 1 घंटा पहले से उठाती है, तैयार करती है, वो करती है, बस मंदिर जाने के नाम का या भक्ति करने के नाम का कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कहने का टाइम नहीं है। तो ये गुरुदेव के चरणों में आना या ना आना बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुदेव की वाणी को समझिए। और मेरे पर तो कुछ ज़्यादा बोलना आता नहीं, ना मैं कभी बोलता, ना मेरी कथा याद रहती, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मैं तो अधम काफी लोग हूँ, ठीक है जी, इसलिए सभी आप मुझे क्षमा करना। वंश तमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गुरचन्द्राय राधिकायस्तु।
सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरा परमार्थतम गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्लोक सिद्धि गोस्वामी महाराज की सेवा भर चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनकी अद्भुत कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मिथिला वृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्लोक नारायण गोस्वामी महाराज की सेवा चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। जगन्नाथ स्वामी बलभद्र देव सुभद्र देव सुदर्शन जी महाराज राधा रामोदर जी राधा गोविंद देव उपस्थित समस्त भक्तवृंद वैष्णव वैष्णव सदैव गुरु भक्तवृंद शिक्षा गुरु पाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्लोक वैद्यनाथ महाराज जी सबके चरण में ये अधम के यथार्थ नाम स्वीकार हो चुका। तो हम लोग का विशेष सौभाग्य कि आज श्री गुरुदेव के सानिध्य में श्री व्यास पूजा महामहोत्सव जो कल हम थोड़े बहुत पालन किए आज उसको सार्थक रूप में पालन कर रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में। तो जमुना देवी स्टकम जमुनाष्टकम जो पाठ किए हो उसमें एक अच्छा चीज बताया है कि मान पुनातु सर्वदार विंदवंधु नंदिनी। इसमें बोले कि मान पुनातु सर्वदार विंदवंधु नंदिनी बोले कि अरविंद बंधु नंदिनी अरविंद बंधु अरविंद मतलब होता है कमल। कमल के जो बंधु है कौन कमल के बंधु कौन कमल मतलब पद्म पद्म के बंधु कौन सूर्य भगवान। क्यों क्योंकि कमल का एक विशेषता ये है वो सूर्य को देखेगा तो प्रस्फुटित होगा नहीं तो चंद्र को देखे कदापि पद्म प्रस्फुटित नहीं होता है। अर्थात जब दिन होता है उस समय कमल या पद्म पुष्प प्रस्फुटित होता है तो इसलिए बोलते कि उसको दर्शन करते ही ये क्या होता है ना प्रस्फुटित होता है तो इसलिए उसको क्या कहा गया है ना अरविंद बंधु अर्थात पद्म की वो बंधु है। और बंधु किसे कहा जाता है बोले बंधु उसको कहा जाता है जो क्या ना अपने जो सहपाठी या सह समय का है उसका हर समय जो कल्याण चिंतन करे। तो बंधु शब्द इसलिए भी जो किया गया है इधर कि ये जो पद्म है उसका कल्याण हर समय कौन चाहता है सूर्य चाहते हैं और सूर्य की जो कल्याण ये पद्म चाहते हैं इसलिए दोनों आपस में कौन हो गए ना बंधु हो गए। तो मगर वो बंधु होने पर भी वो सूर्य ये कमल पुष्प को कब तक पुष्टि करेगा जब तक वो पानी के अंदर है। जब उसको पानी से बाहर निकाल दो वही सूर्य वही बंधु क्या करेगा उसको नष्ट कर देगा। तो इसमें क्या पता चलता है जब तक वो जल का आश्रय में है तब तक वो क्या करेगा ना बंधुत्व भाव इतने जागते जागते जितने सारे भाव हो या कुछ भी हो वो तो उसके साथ वो संपर्क रखेगा मगर जब वो आश्रय से विच्युत हो जाएगा तब वही बंधु परम शत्रु में उपस्थित हो जाएगा। तो इसलिए गुरुदेव कौन है ना संबंध ज्ञान प्रदाता और ये आश्रय जाति विग्रह तो इसलिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो इसलिए गुरुदेव को कैसा कहा गया कि जब तक शिष्य गुरुदेव के आश्रय में क्या करता है ना अपने भजन साधन इत्यादि करता है तब तक तो उसका भजन साधन इत्यादि सिद्ध होता है अथवा नतुबा क्या होता है इस प्रकार जिस प्रकार ये जल से ये जो पद्म निकलने के बाद सूर्य जिस प्रकार उसके साथ प्रभाव करके उसको नष्ट कर देता है ठीक उसी प्रकार जीव अगर साधु गुरु वैष्णव का अनुगत्य में सेवा नहीं करेगा उनका आश्रय ग्रहण नहीं करेगा तो उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अच्छे से कीर्तन बताते कि आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नाही भजे आर सब मर्य कारण क्या ना जो आश्रय ग्रहण करके भजन करता है वो ही क्या होता है ना सिद्धता को प्राप्त करता है अन्यथा अन्य कोई उपाय नहीं।
तो इसलिए गुरुदेव का आश्रय जरूर ही लेना चाहिए। मगर फिर भी अभी गुरुदेव किस प्रकार है, गुरुदेव मिल गए, उनका सेवा किस प्रकार करा जाए, तो इसलिए बताया कि गुरुदेव की सेवा तो सर्वालब्धार्पण है न चो। गुरु की सेवा किस प्रकार करें ना, सर्वालब्ध जो भी कुछ भी मिला है उसको अर्पण करके गुरु सेवा करना चाहिए। मगर सब कुछ का अंदर क्या क्या आता है, शरीर भी आ जाता है, अपनी धन संपदा, जब उस मैं शरीर मतलब पूरा मैं आ गया तो मेरा भी उसका अंदर अंदर सब आ गया, यही तो इसलिए गुरुदेव की सेवा किस प्रकार बताए, बोले सर्वालब्धार्पणे न च, सारी सारी चीज़ गुरुदेव को अर्पण करके ही गुरुदेव की सेवा करना चाहिए। तो अभी ये प्रश्न होता है, हम अभी संसार में और सर्वालब्धार्पणे न च, ये इसको अर्पण करके किस प्रकार सेवा करें, ये कभी संभव है, बोले कि हाँ संभव है। सर्वालब्धार्पणे न च मतलब क्या बोल रहे, जैसे एक श्लोक है पूरी में बड़ा प्रचलित है, बोले कि दोड़े चो दोड़ो गोविंद चापे चो मधुसूदन रथे तो वामनम दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब ये है, जो रथ यात्रा समय जगन्नाथ के दर्शन कर लिया और जो नौका विहार के समय जो मदन मोहन का दर्शन कर लिया और जो गौर पूर्णिमा के समय जो ठाकुर जी को मदन मोहन का जो झूला में दर्शन कर लिया, उसका पुनर्जन्म कभी भी नहीं होगा। मगर लाखों लाखों लोग तो हर समय हर जो यात्रा में दर्शन करते, इसका मतलब क्या उनका और कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, बोले कि होता ही है। तो फिर इसमें क्या शिक्षा मिली, बोले कि अधिकार दृष्टि से ऐसा होता है। जैसे रथ यात्रा में बहुत सारे लोग आता है, भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए आता है, एक व्यापारी अपनी व्यापार करने के लिए आता है, एक चोर भीड़ भाड़ में चोरी अच्छा होता है इसलिए वो भी आता है, तो ये भी क्या उनका ठाकुर के तो दर्शन होता है, तो इन लोगों का सबका उधर होता है। इस प्रकार जो चोर आया है चोरी भावना को लेकर आया है, इसलिए ठाकुर जी उसको कृपा करके उसका जो कुबुद्धि है उसको हरण कर लेते हैं, बाद में क्या हो जाता है ना भक्त हो जाता है। जो व्यापारी है निज वृत्ति को निज जो अपने जो वृत्ति को कैसे वो खुद को प्रतिपालन करेगा उसी चिंता को लेकर आया है, भगवान क्या करेंगे ना योगोक्षेम वहाँ में हम देखे उसको संतुष्ट कर दे, बोले चिंता मत करो नहीं तुम्हारा योगोक्षेम खुद को बहन करो। योग मतलब क्या है, जो अप्राप्त वस्तु प्राप्त नाम, जो उनको प्राप्त नहीं है वो मिल जाएगा, और प्राप्त वस्तु रक्षण नाम इति क्षम, अर्थात जो नहीं है उसको दे देंगे और जो दिए हैं उसको खुद भगवान रक्षण करेंगे, इसलिए उसमें उसको संतुष्ट कर देंगे। और जो भक्त है उनको क्या प्रदान करेंगे, बोले कि उनको खुद जो अद्भुत जो प्रेम भक्ति है उसको उसको प्रदान करते हुए क्या करेंगे ना, उनको अपने धाम में फिर क्या करेंगे ना स्थान देंगे। तो ये सारी सारी वस्तु कैसे होता है ना, गुरुदेव के आश्रय में ही होता है। अगर कोई आश्रय नहीं लिया तो कदापि उसका कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए आज ही परम पवित्र तिथि है और गुरुदेव की सानिध्य भी हम पालन कर रहे हैं। तो बोले जागत के जीवन हम जैसे जीव को हमें ठाकुर जी किस प्रकार कृपा दी है तो पता नहीं है, मगर एक बार बोलते भगवान का अगर कुछ कृपा है इसका मतलब ये जानना पड़ेगा कि साधु गुरु वैष्णव के रूप में हमारे पास में वो दंडायमान है। तो इसलिए हम लोग तो विशेष सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए। तो ये उनके जो संबंध ज्ञान प्रदान की है उसके जरिए में क्या करना चाहिए ना, वही गुरुदेव की चरणाश्रित होके और निष्कापट रूप में गुरुदेव की सेवा करना चाहिए। तो इसके द्वारा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग कृपा करें तो मैं भी निष्कापट रूप में मेरा गुरुदेव की सेवा कर पाऊँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय 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 हजामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अघ जगतो कसाम अखिल शक्ति वबोधगते
देहं सदा परिभवन् मम भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं वृत्तार्तिहं प्रणतपालभवात्तिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे श्रीगुरु महापुरुष ते चरणारविन्दं श्रीगुरुपदनख मणिज्योतप्रमाद्यः केवल्या प्रस्फुटैरत्यान्यः कलिमलमथनं शमनं येन मुक्तौ स्तधौवः सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म जो इस समय व्यासासन पर विराजमान है, जो एक बार महाविष्णु और महालक्ष्मी को भी नहीं देखते हैं, एकमात्र केवल श्री राधा कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, ऐसे सद्गुरुदेव के चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ और उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। आज सुंदर उत्सव, सुंदर दिवस श्री गुरु पूर्णिमा का। वैसे तो अनंत दोषात दोष युक्तान्यः अलग अलग दोषों से युक्त व्यक्ति है, लेकिन फिर भी यदि गुरुदेव की कृपा या आज्ञा हुई है कुछ कहने की, जैसे अभी मैं आ रहा था तब मैंने फोन के अंदर श्री पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का एक आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति यदि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले और इंद्रियों को संयम कर ले, वो भी श्री भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों पर संयम करके योग के दिव्य प्रतिपाद्य को ऊंचा कर ले तो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और यदि व्यक्ति उससे गिर जाए तो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है, केवल गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त सेवा करने वाला ही श्री भगवान को प्राप्त कर सकता। सब लोगों ने विगत जो भी वक्ता आए हैं उन सब ने गुरुदेव की अत्यंत अत्यंत मनोरम महिमा कही है। मुझे जो याद है वो सुना देता हूँ मैं। हमारे गुरुदेव के कैसे चरित्र बताए। असित गिरी समम स्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। यदि पूरी की पूरी पृथ्वी को बता रहे थे ना कागज बना दिया जाए और पूरे जितना भी पूरे विश्व में समुद्र है उसको शाही बना दिया जाए, कल्पवृक्ष को लेखनी बना दी जाए और भगवती परासरस्वती वाणी को वीणा को लेकर के यदि गुरुदेव के चरित्र लिखने बैठे तो गुरु चरित्र कहो ना जाए तो भी गुरुदेव के चरित्र नहीं कह सकते। एक बार श्री गुरुदेव एयरपोर्ट पे थे, तो जब वो एयरपोर्ट पे थे उनके साथ शिष्य भी थे, तो गुरुदेव को प्यास लगी बहुत जोर की, हमारे गुरुदेव को। तो जब गुरुदेव को प्यास लगी तो उन्होंने बोतल खरीदनी चाहिए पानी की, और जब बोतल खरीदनी चाहिए तो पूछा दाम, तो दाम पूछा तो उन्होंने बताया 400 रुपए की बिस्लेरी है वहां, 400 रुपए की। कितनी? केवल 1 लीटर बोतल 400 रुपए की। गुरुदेव ने सोचा, देखियो गुरुदेव जल पात्र अहे अति महंगो। गुरुदेव ने देखा कि जल का पात्र जो है, ये बॉटल जो है वो बहुत महंगी है। मन में विचार कियो संतन स्वभाव जो, मन में विचार किया गुरुदेव ने, क्योंकि संत का संत है तो संत स्वभाव ही ना। गुरुदेव ने विचार किया कि अरे ये 400 रुपए की बॉटल है और जो मेरे पास धन है वो वैष्णव सेवा का है, संतों की सेवा का है, तो मैं इस धन को अपने शरीर पे क्यों लगाऊं। देखियो गुरुदेव जल पात्र अहे अति महंगो, मन में विचार कियो संतन
स्वभाव जो दाम है अति आको वैष्णव सेवा को धन व्यय नहीं करूं अपने देह काज जो मैं अपने देह के लिए इसका व्यय नहीं करूंगा। गुरुदेव ने कहा तो गुरुदेव ने क्या किया, हमारे गुरुदेव ने टोटिन सो जल पीत, वहां पे जो पब्लिक के लिए ठूठियां लगाई हुई थी ना, ब्रज में ठूठी को टोटी बोलते हैं, ठूठियां लगाई हुई थी तो गुरुदेव ने उन्हीं का उस वही पानी पी लिया। टोटिन सो जल पीत सेवा में है कैसी प्रीत, अरे धन्य अपनो भाग जा कि शिष्य ऐसे पाद जो। हमारा भाग्य धन्य है कि ऐसे गुरुदेव श्री बात गुरुदेव के हम लोग शिष्य हैं। इस कारण से गुरुदेव की अति महिमा। देखिए दीक्षा के पांच संस्कार बताए हैं, जो दीक्षा के पांच संस्कार हैं उसमें से मैं एक दो संस्कार बता देता हूँ, यही आज्ञा है गुरुदेव की। पहला संस्कार है तुलसी संस्कार, तुलसी जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं वो तुलसी संस्कार। कई लोग सोचते हैं तुलसी नहीं, ये करते हैं वो करते हैं, अरे भैया दोष क्या, कौन सा दोष किसमें नहीं है, आप विचार करिए। आज महाराज जी ये बात कहते हैं, आज भी आप विचार करिए, आप गुरुदेव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक भी व्यक्ति बैठा है हमें मिलाकर के, एक भी व्यक्ति कौन सा दोष किसमें नहीं है, सकल दोषों के कोष हम लोग हैं। पर फिर क्या बोलना छोड़ दें, कथा कहना छोड़ दें, नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है। लोग कहते हैं श्लोक इतने ज्यादा श्लोक बोलने से क्या होगा, श्लोक को कहने से क्यों, गुरुदेव की प्रेरणा है, गुरुदेव की आज्ञा है। तो सेवा यस्य सौभाग्येन, सेवा की कृपा, सेवा से कृपा प्राप्त होगी तो जो गुरुदेव कह रहे हैं वो करना है। इसलिए पहला संस्कार है कंठी संस्कार, गले में कंठी है, तुलसी की कंठी है ना, ये तुलसी की कंठी है। जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति एक छोटा सा बालक है और उस वो बालक सना हुआ है, मिट्टी और धूल में सना हुआ है, तो उसकी माँ क्या करती है, उसको उठा करके और सुंदर सा श्रृंगार करके और उसको बाहर पिता की गोदी में दे देती है बाहर घूमने के लिए। तो बाहर व्यक्ति जो चलता है इतना सुंदर बालक को देख करके जैसे उसको आलिंगन करने का, चुम्बन लेने का मन करता है, ऐसे ही सद्गुरुदेव हैं। हम लोग कई कई जन्मों के पाप यद्यपि ताप संतापों से विविध प्रकार से पोषित युक्त हैं, अरे गुरुदेव क्या करते हैं, जैसे उस बच्चे का श्रृंगार किया है वैसे गुरुदेव कंठी कंठ में धारण करके उसका ऐसा सुंदर श्रृंगार करते हैं कि राधा रानी की गोदी तक पहुंचा। इसलिए पहला संस्कार कंठी का संस्कार, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नराह मूढ़ मानसाह श्रुणोति विश्राम समम चन्नम जलम च मदिरा सम। जिसके गले में तुलसी नहीं है वह मूढ़ मनुष्य है। पाप दोष की तो बात आप छोड़ दो, उससे तो व्यक्ति बहुत रेयर ही परे हो, लेकिन कंठी अवश्य धारण, क्योंकि गुरुदेव की कृपा ये कंठी धारण करते हैं। भैया कोई व्यक्ति मर जाता, कोई व्यक्ति का देह अंत हो जाता है ना, उसके छाती पे बहुत सारी तुलसी की काष्ठ यदि रख देते हैं और फिर उसका संस्कार होता है तो लिखा है विष्णु लोकम सगच्छेद, भगवान के धाम जाता है, दुर्गति नहीं होती उसकी। इसीलिए पहला संस्कार कंठी का संस्कार, दूसरा संस्कार तिलक का संस्कार, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की शोभा होनी चाहिए। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पापकारिनम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। पापी से पापी व्यक्ति को भी जो भगवान के धाम ले जाने वाला है उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। कितना ही भयंकर पापी हो, मरते टाइम यदि उसके मस्तक पर तिलक है तो भैया वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, भगवान का विमान आएगा उसको लेने के लिए और भगवान के विमान में भगवान के धाम जाएगा। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। पहला तिलक का संस्कार, पहला कंठी का संस्कार, दूसरा तिलक का संस्कार, तीसरा संस्कार मंत्र जप का, भगवान के नाम का मंत्र का, जो मंत्र आप लोगों को दिया है मंत्र के जप का संस्कार, जो जितनी संख्या में जो गुरुदेव ने बताया नियम पूरा तो एक हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए, भगवान की कृपा से नियम पूरा हो जाता है,
और होना भी चाहिए। और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वो मंत्र का संस्कार, जितनी संख्या में वे बताए उतनी संख्या में मंत्र का, उतनी संख्या में नाम का संस्कार, नाम उतनी संख्या में। इस कारण से अन्यान्य प्रकार के प्रकल्पों से युक्त व्यक्ति भी हो, अन्यान्य प्रकार के दोषों से आच्छादित व्यक्ति भी हो, तो भी चिंता की बात नहीं है। श्री गुरुदेव ने कहा, एक बार गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे तो गुरुदेव ने कहा कि देखो जैसे एक छोटा सा बालक है और वो एक पतला सा पुल पार करता है, इस तरफ भी खाई है उस तरफ भी खाई है, तो वो पतला सा पुल कैसे पार करता है? तो बोले एक तरफ अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है, एक तरफ अपनी माता की उंगली पकड़ लेता है और सहज पार हो जाता है। ऐसे ही ये संसार इतना दुरूह है, इस तरफ भी माया की खाई, इस तरफ भी माया की खाई, अध्यात्म का पतला सा पतली सी पगडंडी है, पुल है, उसमें कैसे पार किया जाए? तो एक तरफ सद्गुरु रूपी पिता की उंगली पकड़ लो और एक तरफ हरि कथा रूपी माता की उंगली पकड़ लो। व्यक्ति सहज करके इस कारण से अन्यान्य प्रकार के सद्गुरु, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त किया हुआ मंत्र अपार सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अपार सिद्धि को प्राप्त। ये तीन संस्कार हैं, अन्य संस्कार श्री गुरुदेव बताएंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा करते हैं उनके पास में गए पतिता नाम पावन भी कृष्ण जय प्रभु है संजय संजय हां गुरुदेव राहुल जरूर बोलिए। ओम ज्ञान कुमारस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरीचंद्राय राधिकाय सदानय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णव मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य नमन प्रणाम। गुरुदेव के आदेश से मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो मेरी आज को तैयारी है नहीं, तब भी मुझे जो थोड़ा बहुत याद है मैं कहने का प्रयास करता हूँ। देखिए हम सब लोग आज क्या मनाने हैं, हम गुरु व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा, हम इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बताया गया है कि देखो आजकल का जो समय है ना उसमें आपको हर जगह गुरु मिल जाएंगे, हर जगह आपको गुरु मिल जाएंगे। देखो जब चाहे जागतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, ठीक है, कहीं भी आप जाओगे हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अगर हम स्कूल में हम छोटे थे है ना, जब हम संसार में आए तब बताया गया हमें किसने शिक्षा दी, हमारे माता पिता ने शिक्षा दी। उसके बाद हम स्कूल में गए कॉलेज में गए, वहाँ हमें किसने शिक्षा दी, हमारे टीचरों ने शिक्षा दी, ठीक है। तो और उसके बाद हम कहीं भी जॉब करने गए, कुछ भी गए, कुछ भी सीखने गए, वहाँ भी हमारे गुरु बने है ना, जिन्होंने हमें सिखाया। तो कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं, लेकिन ये सब क्या है, जागते शिक्षा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बताई गई है, जो हमें इस भवसागर से पार दी जाएगी, वो कौन सी शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा। वो कौन देते हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। लेकिन क्या है, आजकल देखने को मिलता है कि जगह जगह बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु तो है पर उनकी पहचान नहीं है, ठीक है। लोगों का तो अभी इतने केसेस हो चुके हैं कई पिछले सालों में, तो लोगों का तो विश्वास ही उठ गया गुरु से, सब कहते हैं ढोंगी पाखंडी है ना। देखो अभी नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप सब लोग जानते ही, वैसे पता नहीं कितने गुरु आजकल जेल में बंद है। तो कुछ लोगों का विश्वास ही कि गुरु होते ही नहीं है, सब क्या है, डुप्लीकेट है। मानते हैं कुछ लोग कि सारे जो गुरु हैं आजकल के समय में वो क्या है, डुप्लीकेट। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी। अगर मैं बोलूँ चाइना वालों ने नकली चावल बना दिए, तो मतलब असली चावल भी तो होते हैं है ना, चाइना वालों ने नकली सब्जियां बना दी, असली सब्जी भी तो होती होगी भैया है। दुकानों में क्या मिल रहा है, नकली घी, तो भैया असली घी भी तो होता होगा तभी नकली बन रहा है। जब कुछ भी चीज़ नकली बन रही है तो इसका मतलब क्या है, असली भी है।
ठीक है। तो आप सब लोगों को, आप सब लोग ना बहुत भाग्यशाली हो, वो असली चीज़ हम किसे मिली है, हम सबको मिली है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। अभी हमें पता नहीं है लेकिन धीरे धीरे हमें अनुभव होगा। तो गुरु है ना तीन तरीके से कृपा करते हैं, तीन तरीके से गुरुदेव की कृपा होती है। पहली कृपा होती है वाचिक, वाचिक गुरुदेव अपने मुख से कृपा कर देते हैं बोल के वचनों से। कैसे, इसका हम उदाहरण बताया गया कि हमारे श्रील गौरवी सुधा बाबा जी महाराज जी एक बार ये भजन कर रहे हैं, कहाँ चले गए, संसार से विरक्त हो गए, परेशान हो गए, ये टॉयलेट में चले गए। इन्होंने क्या करा, टॉयलेट में जाके भगवान का नाम करने लगे कि लोग इन्हें परेशान ना करें, और ये वहीं बंद हो गए। अब काफ़ी शिष्य आ गए, काफ़ी लोग आ गए इन्हें बुलाने के लिए कि महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, पर कोई इन्हें बाहर नहीं बुला पाया। लेकिन क्या हुआ फिर, प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी के शिष्य गुरुदेव कौन आए थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी आए। उन्होंने बोला मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभुपाद, वो बाहर आ गए और उन्होंने उनको बड़ा स्नेह किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। देखो वाचिक, कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, भक्ति जगत में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो ये है वाचिक, मुख के द्वारा उन पर कृपा कर दी। ऐसे अनेकों उदाहरण है। दूसरा उदाहरण बताया हृदय से, जो मानसिक, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया, जो कछुआ होता है ना, कछुआ वो क्या करता है, समुद्र से पानी से बाहर आता है और रेत में बड़ा सा गड्ढा खोदता है, उसमें अपने अंडे देता है और उसको ढक के चला जाता है और उसका चिंतन करता रहता है, स्मरण करता रहता है वहीं से। और वहीं से जो कछुए के बच्चे हैं वो अंडे अपना फूटते हैं, बच्चे होते हैं और वहीं वापस आके अपनी माता से मिल जाते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। अभी देखो हमारे गुरुदेव यहाँ है, जगह जगह पूरे विदेशों में प्रचार करने जाते हैं, है ना। तो क्या है, जो बाकी जो दूर लोग हैं, भक्त हैं, उनको कैसी कृपा प्राप्त हो रही है, मानसिक हृदय से कृपा प्राप्त हो रही है उनको। और तीसरा बताया गया है जो है दृष्टि से, गुरुदेव दृष्टि से भी कृपा कर देते हैं। तो इसका हमें बताया गया है कि जो हम जो वैष्णव भक्त लोग हैं ना, जो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी की आयु बताइए 100 दिन, लेकिन एक दिन इतना है कि भैया कई कई बार पृथ्वी बन के नष्ट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि जो वैष्णव लोग हैं ना, ब्रह्मा जी के सामने सामने आए, ये बात ब्रह्मा जी और शिव कर रहे हैं आपस में कि देखो ये वैष्णव कितने श्रेष्ठ हैं, ये जो मृत्यु लोक में हमारे जैसे पृथ्वी में आए, ये वैष्णव कितने श्रेष्ठ हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने भजन किया और कहाँ जा रहे हैं, गोलोक, गोलोक वृंदावन भगवान के धाम जा रहे हैं, ये इतने श्रेष्ठ है वैष्णव। और हम देख लो अभी हमें कितने सालों तक, कितने कल्प तक यहीं रहना पड़ेगा, है ना। देखो ये ब्रह्मा और शिव के लिए भी बड़ा दुर्लभ है ये चीज़। तो वहाँ ब्रह्मा जी शिव जी भी ये वार्तालाप कर रहे हैं। और जो बताया गया जो वैष्णव लोग जब जाते हैं सिद्ध लोग में, तो वहाँ ज्ञानी कर्मियों को सिर्फ दृष्टि करते हैं उनपे वैष्णव लोग, तो उसी उन्हीं से उनका उद्धार हो जाता है और दोबारा आके यहाँ भजन करने लगते हैं। तो तीन तरीके से कृपा बताई गई। तो इस जगत में हम कोई भी देख लो बताते हैं कि गुरु बनाना बड़ा आवश्यक है। अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जागतिक उदाहरण, एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य के यहाँ गए, तो शिष्य का घर बड़ा अच्छी पॉश कॉलोनी में था, सामने बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, सारे लोग पार्क में आते थे अपनी गाड़ियों में खड़ी कर देते थे। तो गुरुदेव ने कहा भैया कितनी गाड़ी है तुम्हारे, गाड़ियों का बिजनेस है क्या? कहने नहीं गुरुदेव, गाड़ियों का बिजनेस नहीं है, ये सारे लोग ना पार्क में आते हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा तुमने कुछ किया? हाँ गुरुदेव, मैंने यहाँ पे एक बैनर लगा रखा है, पोस्टर लगा रखा है कि यहाँ कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, हैं, कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें, जुर्माना 100 रुपये। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा इसको काटो, 2 शब्द चेंज किए बस, कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी करें, ना को कटवा दिया, ठीक है, जुर्माने की जगह लिख दिया किराया 100 रुपये, कृपया यहाँ गाड़ी खड़ी करें, किराया 100 रुपये। और अगले दिन से एक भी गाड़ी खड़ी होनी बंद हो गई, एक भी गाड़ी नहीं खड़ी होती। तो गुरु देखो एक जगत में भी अगर छोड़ ऐसे भी गुरु भी मिल जाए ना, वो भी बता दे तो जीवन सुधर जाए। तो गुरुदेव भी हमें 2 ही चीज़ देते हैं, भगवान का नाम, बस हमारा जीवन सुधर जाता है। तो गुरु शिष्य बताए कि किस कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके के बताए हमारे, अभी गजेंद्र प्रभु जी बता रहे थे ना, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो इसमें बताया कि कैटेगरी एक होते मूर्ख शिष्य,
एक होते चतुर शिष्य और एक होते शब्द शिष्य। तो मूर्ग शिष्य किस प्रकार के आप लोगों ने शायद पहले भी सुना हो, थोड़ा बता देता हूँ। एक बार गुरुदेव मंत्र करने के लिए बैठे संध्या करने के लिए, तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि भैया वो मेरा पात्र का है, आचमन पात्र का है। कह रहा गुरुदेव वो तो कल हम जब जा रहे थे गाड़ी से तो गिर गया। तो गुरुदेव ने कहा तुमने उठाया क्यों नहीं? तो कह रहा गुरुदेव आपने बताया नहीं था। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम करना कल से जो भी सामान गिरेगा ना गाड़ी बैलगाड़ी से सब उठा लेना। उसने कहा गुरुदेव ठीक है। अगले दिन गुरुदेव बैठे हुए थे, वो बड़ा एक बड़े अच्छे थैले में लाया, बड़ा अच्छा थैला साफ सुंदर सा थैला गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ये लो। गुरुदेव ने खोला तो उसमें क्या घोड़े की लींद। गुरुदेव ने ये क्या लिया आया? कह रहा गुरुदेव आपने तो बोला था जो भी गाड़ी से गिरेगा घोड़ा गाड़ी से वो उठा के ले आना, तो घोड़े ने ये करा तो मैं ये उठा के ले आया। तो गुरुदेव ने कहा ये बड़ा मूर्ख है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं सब चीज़ नहीं उठानी। तो उसने कहा गुरुदेव मुझे बता दो तो क्या उठाना क्या नहीं उठाना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है एक काम करो मैं लिस्ट बना देता हूँ कि पंचामृत गिरे उठा देना, मेरा आसन गिरे उठा देना, मेरा बिस्तरा गिरे उठा देना, मेरी माला गिरे उठा देना, पूरी लिस्ट बना के दे दी। अगले दिन घोड़ा गाड़ी गिर रही थी, एक स्पीड ब्रेकर आया और गुरुदेव गिर गए। गुरुदेव कह रहे भैया मेरी कमर टूट गई उठा तो दे। कह रहे वो लिस्ट पढ़ रहा है, इसमें तो लिस्ट में लिखा ही नहीं। क्या है मूर्ख शिष्य। अब आते हैं चतुर शिष्य। एक बार एक गुरुदेव ने कुछ शिष्यों को दीक्षा वीक्षा दी और बिठाया, ऐसी कथा का माहौल बना हुआ था और बाहर बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी, गुरुदेव ने देखा बारिश हो रही है तो गाय भीग रही है आश्रम की। तो शिष्य से बोला ए शिष्य जाओ उस गाय को बंधन से मुक्त कर दो। शिष्य बड़ा आलसी चतुर मेरी तरह, कह रहा गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं खुद बद्ध जीव हूँ, मैं उसे कैसे बंधन से मुक्त कर दूँ, मैं उसे कैसे बंधन से मुक्त कर दूँ, मैं तो खुद बद्ध जीव हूँ, मैं तो खुद यहाँ बंधन से मुक्त होने आया हूँ, हैं मुझे अधिकारिक चेष्टा का मुझे पात्र मत बनाओ, मैं चेष्टा नहीं कर सकता, ये तो आपका काम है बंधन से मुक्त करना, मैं तो खुद बंधन में हूँ। गुरुदेव ने कहा भैया ये शिष्य ने तो बड़ा गुरु ही मिला है। राहुल अब गुरुदेव ने कहा भैया तो कुछ नहीं सुनने वाला। तो देखा आप कथा हो गई, अब बाहर पता चले कैसे चलेगा, बारिश हो रही नहीं हो रही। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा शिष्य चलो एक काम करो ये बताओ बाहर बारिश हो रही नहीं हो रही। तो शिष्य भीड़ गई, गुरुदेव भाई देखो अभी ये जो गाय का बछड़ा ना बाहर से ही आया है, अगर इसकी पीठ में हाथ फेरो अगर ये गीला हुआ तो बारिश हो रही है और सूखा हुआ तो बारिश नहीं हो रही। तो गुरुदेव ने कहा भैया ये तो कुछ नहीं करने वाला। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो। अब रात्रि का समय हुआ, लाइट जली हुई है आश्रम में, सब शिष्य सो रहे हैं गुरुदेव सो रहे हैं। शिष्य ने क्या करा गलती से लाइट खुली छोड़ दी। अब गुरुदेव लेटे हुए शिष्य को बोल रहे हैं सर्दियों का समय भैया रजाई ओढ़ के सब सोए, किसी का मन ही नहीं करता उठने का। गुरुदेव ने कहा शिष्य को बोला कि जाओ ये लाइट बंद कर दो। कह रहा गुरुदेव आप क्या कैसी बात कर रहे हो कि क्या हो गया, कोई बात नहीं इसको जले रहने दो प्रकाश हो रहा अच्छी बात है। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं मेरी आंखों में चुभ रहा है मुझे नींद नहीं आ रही। तो शिष्य कह रहा गुरुदेव एक काम करो शास्त्रों की बात मानो। तो गुरुदेव ने कहा शास्त्रों की बात मानो, तो जैसे हमारे शास्त्रों में बताया ना कि अगर कोई वैष्णव की निंदा कर रहा हो तो क्या करो दो ही कार्य करो, या तो उसका जिव्य का छेदन कर दो यानी उसको परास कर दो या दूसरा उस स्थान को छोड़ दो। तो शिष्य क्या कह रहा है गुरुदेव शास्त्रों की बात मानो, शास्त्रों में बताया गया अगर कोई चीज तुमसे सहन नहीं हो रही तो आंखें बंद कर लो। तो गुरुदेव आंखें बंद कर लो रजाई उड़ो सो जाओ। गुरुदेव ने कहा भैया ये तो बड़े तेज शिष्य निकले। अगले दिन सुबह सुबह हुई मंगला आरती में देखा तो शिष्य गायब सोए। तो गुरुदेव ने बुलाया भैया इधर आओ देखो सुबह सुबह मंगल आरती में आना चाहिए, मंगल उठता है, मंगल आरती दर्शन करने से मंगल उठता है ना और आयु बढ़ती है, जो सुबह सुबह उठेगा ना उसकी आयु बढ़ेगी। तो शिष्य कह रहा गुरुदेव आप कैसी बातें कर रहे हो, सबसे पहले सुबह सुबह मुर्गा उठता है और शाम तक हलाल हो जाता है, ये सब गुरुदेव सब भ्रम है, सोए बढ़िया से आराम से, ये कुछ नहीं होता सुबह उठने से, सो जाओ आओ भैया और सो जाओ। गुरुदेव ने कहा भैया तो कुछ नहीं करने वाला, ये तो बड़े भैया शिष्य ने ये तो गुरु ही मिले मुझे। अब गुरुदेव ने कहा थोड़ा कुछ करने पड़ेगा इनका उपाय। अब गुरुदेव बैठे अपना पूजा करने के लिए, तो एक नियम है अगर आप आसन में बैठ गए ना पूजा करने के लिए उठ नहीं सकते। अब गुरुदेव बैठ गए,
अब देखा गुरुदेव ने तो तुलसी नहीं है, तो शिष्य को बुलाया कि बेटा इधर आओ, जाओ बगीचे से तुलसी ले आओ। गुरुदेव तुलसी तो मैं ले आऊँ पर होती कैसी है तो बताओ मुझे, आपने तो मुझे कहीं बताया नहीं तुलसी का, तुलसी होती कैसी है। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें नहीं पता तुलसी कैसी होती है। अरे नहीं गुरुदेव मुझे तो आपने बताया नहीं। तो दूसरा शिष्य वहाँ खड़ा था, उसने कहा मैं फंस जाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो क्या पहली बोल पड़ा, अरे तुझे नहीं पता तुलसी कैसी होती है, ये बड़े बड़े केलों की पत्ते की तरह, केले के पत्ते की तरह बड़ी बड़ी होती है, जा ले आ। तो गुरुदेव ने कहा तुझे भी नहीं पता। अरे नहीं गुरुदेव मुझे तो जो पता है मैं वही लिया हूँ क्या। गुरुदेव ने कहा भैया रहने तू, अब क्या करें। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, अब मैं इस जैसे बड़ी सी टेबल में बैठा हूँ, चौकी सी बड़ी उसमें बैठ गया हूँ, तो एक काम करो तुम दोनों के दोनों मुझे एक दोनों साइड से उठाओ और मुझे बगीचे में ले जाओ। इससे मेरे भैया तो बुरे फंस गए, इससे बड़े तो तुलसी ले आते। अब गुरुदेव भी बड़े हट्टे कट्टे हैं, अब गुरुदेव ने कहा उठाओ चलो। अब भैया दोनों शिष्य लग गए उठाने में उनको, अब गुरुदेव भी थोड़ा चला, कह रहे नहीं नहीं यहाँ तुलसी नहीं है, जबकि तुलसी बगल में थी। कह रहे चलो जंगल में चलो, शिष्य कह रहे भैया आज तो गए। और जैसे तैसे उनको जंगल में ले गए, वहाँ से गुरुदेव ने तुलसी चयन की और बाद में पूछा शिष्यों से ये पता चल गया तुलसी कैसी है। अरे हाँ गुरुदेव पता चल गया हमें तुलसी कैसी है, कभी भूलोगे तो नहीं। अरे गुरुदेव इस जन्म में क्या सातों जन्म में नहीं भूलने वाले। तो ये हमारे चतुर शिष्य, अब हमारे सभी शिष्य ये जो हमारे सारे जो गुरुवर्ग है ना, किसी का भी चरित्र उठा के देख लो, किसी का भी सारे सब शिष्य देखो हमारा मुख्य काम क्या है। अभी हम क्या गुरु पूर्णिमा मनाने आए हुए यहाँ, ठीक है। देखो एक चीज़ अभी आपने देखी होगी, मदर्स डे फादर्स डे है ना, उनका बर्थडे मनता है, उस दिन क्या करते हैं बढ़िया आसम अपने माता पिता को बिठाते हैं, केक ले आते हैं, फोटो खींचते हैं और फेसबुक में डाल देते हैं, देखो फादर डे मदर्स डे है ना। या जो अनाथ आश्रम में अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं, क्या करते हैं उनके जन्मदिन में जाते हैं, खूब केक वेक ले गए, पार्टी करी और फोटो खींच के सब जगह डाल दी, देखो हम अपने माता पिता के कितना ध्यान रख रहे हैं है ना। तो क्या वास्तव में हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे एक दिन के लिए। तो ये चीज़ सोचने की है, तो हमें हर कार्य क्या करना है गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए करना है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ है ना। तो जैसे देखो हमारे गुरुवर्ग हैं श्रील भक्ति विधान शिला त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी, भक्ति विधान शिला मामन गोसाई महाराज जी और शिला भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी, इनके जो हमारे गुरुवर्ग थे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, इन्होंने एक बार अपने शिष्य से बोला कि मैं तुम्हें संन्यास देना चाहता हूँ। तो हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी ने जब उन्हें बोला, तो भक्ति विधान शिला वामन गोसाई महाराज जी और त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी ने बोला कि हम अभी अयोग्य हैं, हम इसके लायक नहीं। वो अपनी एक दीनता प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब वो योग्य तो हैं लेकिन तब भी वो अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे श्रील भक्ति विधान श्री नारायण गोसाई महाराज जी को बोला कि आप दीक्षा लो, आप एक काम करो संन्यास लो, तो उन्होंने क्या बोला कि गुरुदेव मैं अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने घर का, अपने सारे पुत्र पुत्रियों का स्नेह अब सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया इसके लिए और सब कुछ सबका स्नेह किसके आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, चाहे आप मुझे वस्त्र दे चाहे वस्त्रहीन दे जैसी आपकी इच्छा हो। देखो गुरु समर्पण, गुरुदेव प्रसन्न हो गए, इतने में प्रसन्न हो गए गुरुदेव। कोई भी छोटी सी क्रिया, एक हमारे दस श्रील भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज जी, उन्होंने क्या किया वो कभी जूते नहीं पहनते थे, वो धाम में रहते थे, कभी उन्होंने जूते नहीं पहने आजीवन कभी नहीं पहने। लेकिन एक बार उन्हें विदेश जाना था प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक जूते मंगाए, उस समय के वो शायद 22 रुपये या 35 रुपये के जूते थे, आजकल के टाइम में बहुत महंगे 30-35 हज़ार रुपये के जूते होंगे। तो उनको बोला उनके शिष्यों ने कि ये प्रभुपाद जी ने जूते दिए पहन के आ जाओ, जबकि उन्होंने कभी नहीं पहने धाम में, लेकिन उन्होंने जूते पहने और जूते पहन के प्रभुपाद जी के कक्ष के बाहर आ गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम अंदर आते हो मैं बाहर आऊँ, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव मैं ही अंदर आता हूँ। सोचो जबकि कहते हैं गुरुदेव के कक्ष में जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, तो जब प्रभुपाद जी ने उन्हें देखा उन्होंने जूते ग्रहण करे, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला आज तुमने क्या वैराग्य को भी वैराग्य दे दिया, उन्होंने त्याग दिए थे जूते चप्पल, लेकिन प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए उनकी छोटी सी क्रिया से, तो उन्होंने बोला कि आज तुमने जो वैराग्य को ना उसको भी वैराग्य दे दिया। तो हमारी छोटी सी भी क्रिया अगर हमने छोटा सा कुछ ऐसा भी कर दिया जिससे गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, तो सोचो हमारा सब कुछ सार्थक हो गया। एक थे हमारे भक्ति
मुझे अभी नाम स्मरण नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम बाकी हम मैं तो आपको कल बताऊंगा जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है। वंशा कल पर तुरंत से काम चल जाएगा, तो चलो काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया पूरी हो जाए। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा हरी बोल, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे लोग खड़े थे जिनके चले गए वापस चले गए, आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा हो जाओ सर, हो जाओ, जगह बहुत बढ़िया, आगे जिनके में खड़े थे लोग चले गए वापस चले गए। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानंजन सलाक्य चक्षु नमितं तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पार्षदुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमं अपने गुरुदेव विष्णुपादस्तोत्रस्य श्री श्रीमद्भक्तिनिष्ठ भूषण गुरुदेव महाराज के श्री चरण कमलों में कुल साक्षात अनु प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों के सर्वोदय श्री नमः किस राज के चरणों में यथार्थ प्रणाम करता हूँ तथा समस्त गौड़ीय गुरु परम्परा जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साक्षात धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ बोलने का, पर मैं अयोग्य हूँ, फिर भी गुरुदेव का आदेश का पालन करते हुए वो भी नहीं करना जानता, बस अपने अहंकार से फिर भी माइक से कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव मेरे से हुई गलती को क्षमा करना, अगर कुछ त्रुटि हो तो उसमें सुधार करना। हरि बोल। आज हम सब लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा का महा महोत्सव बनाने उपस्थित हुए हैं, सभी को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई हो और गुरुदेव सब पर कृपा वर्षण करें। कृपा तो वर्षण कर रहे हैं पर हम उसे लेने योग्य बने। हरि बोल। कल गुरु पूर्णिमा का महोत्सव परसों बन रहा था गढ़ी गाँव में, तो वहाँ पर सभी वैष्णव लोग बहुत सुंदर सुंदर गुरुदेव के बारे में बोल रहे थे, तो हमारे वहीं नंदन प्रभु जी अभी आए थे दो चार दिन पहले, वे कुछ कथा बोल रहे थे, मैं उसे बोलने का प्रयास करूँगा। कुछ त्रुटियों तो गुरुदेव क्षमा करना, उसमें सुधार करना कि हम गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा पर क्या अर्पण करें, या गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा ही नहीं कभी भी जब भी गुरुदेव मिले तो उनको क्या दें, क्या एक धन दौलत रुपया पैसा फल फूल मिठाई वस्त्र इत्यादि, क्या गुरुदेव को इन सब चीज़ की जरूरत है? गुरुदेव परिपूर्ण हैं, वे स्वयं राधा रानी की मंजरी हैं, उनकी सेविका है, इनके पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं, वे राधा रानी के आदेश से इस धराधाम पर मुझ जैसे बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए उस निकुंज की सेवा को छोड़कर आए हैं, उस जैसी निकुंज सेवा को छोड़कर राधा रानी के आदेश से कि जाओ, वे जी इतने दुखी हैं उस मृत्यु जगत में, उनका जाकर कल्याण कर उद्धार कर वापिस उनको मिलाकर मेरी सेवा में लगाओ, इसलिए वे गुरुदेव आए हैं। और फिर भी हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य है, हम उसको नहीं समझ पा रहे। तो इसमें रोहिणी नंदन प्रभु एक कथा सुना रहे थे कि एक बार एक बहुत बड़ा सेठ जी था, तो उसे अपने पैसा का बहुत बड़ा अहंकार था, तो वो गुरुदेव के पास गया गुरुदेव पूर्णिमा का दिन कि मैं अपनी मर्जी से क्या दूँ गुरुदेव को, मैं दूंगा शायद गुरुदेव को पसंद आए या ना आए, या मैं कोई ख़राब चीज़ ले जाऊँ या कुछ ऐसी चीज़ ले जाऊँ जो गुरुदेव के उपयोग ना हो, मैं गुरुदेव से ही पूछ लेता हूँ कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए। तो उसने गुरुदेव को अपने धन के मद में मस्त होकर गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप बताओ मैं आपको क्या दूँ, जो आप इच्छा करोगे मैं आपको वही दूंगा, जो भी आप इच्छा करोगे, मैं अगर मैं कुछ लाता तो शायद आपको पसंद आती या नहीं आती, या आपके उपयोग के लोग योग्य नहीं होती या नहीं होती, मैं कुछ नहीं जानता, फिर भी आप मुझे बताएं मैं आपको क्या दूँ। तो गुरुदेव विचार करने लगे, ऐसे आज अपने धन का अहंकार हो गया है, ये मेरा शिष्य इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो उन्होंने उससे मांगा कि तेरे पास जो भी सबसे घटिया चीज़ हो, सबसे बेकार, जो तेरे किसी उपयोग की नहीं, जो जो तुझे सबसे गंदी लगती हो, तो मुझे वो चीज़ ला कर दे दे। वो सोच में पड़ गया कि मैं गुरुदेव से क्या कहने आया था कि गुरुदेव मेरे से खूब अच्छी या पैसा कुछ भी, या ऐसा मांगे कि तू मेरे लिए एक मठ बनवा दे, से हमारा मठ बन रहा है तो गुरुदेव कहते हैं एक मठ ही बनवा दे मेरे लिए या कुछ और करा दे, पर वो तो सोच रहा था कि गुरुदेव ऐसे कुछ कहेंगे और मैं गुरु पुण्य दिन गुरुदेव को वो इतना बड़ा गिफ्ट दूंगा शायद कोई भी ना दे सके। पर वो तो बहुत अचंभित हुआ और ये सोच के वो वहाँ से
चला गया कि अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी तो मुझे गुरुदेव को भेजना, उसके लिए सोच लेते हैं। जैसे ही वो मंदिर से निकलकर गुरुदेव से निकलकर जा रहा था तो उसका रास्ते में एक ठोकर लग गई पत्थर से, मुझे हेड कट गया, सब पत्थर इसने मेरे चोट मार दी। तो उसका दिमाग का भाई हाँ ये पत्थर सबसे गंदा है, इसने रास्ते में पड़ाया और चोट ही मार रहा है। तो उसने वो पत्थर उठा लिया, मुझे गुरुदेव को मैं ये दूंगा ले जाकर। तो वो उसको लेकर चल दिया, मुझे चलो गुरुदेव के लिए देने के लिए मेरे पास सबसे घटिया वस्तु हो गई। तो जैसे वो कुछ दूरी पर जा रहा था तो जैसे यहाँ बाजार में नाली साफ करने के लिए कीचड़ निकला हुआ ना, तो उसका पैर उस कीचड़ में पड़ गया। मैं ची ची गंदा सा पैर सारा गंदा हो गया। उसका हाँ ये तो इस पत्थर से भी बहुत गंदा है। तो उसने क्या करा, उसे उठा तो जा नहीं रहा था, परंतु गुरुदेव को सबसे घटिया चीज़ देनी थी, गुरुदेव का आदेश था वो पालन करने, सबसे घटिया चीज़ देनी थी। तो उसने क्या करा, बस अपना मन सा मार के हाथ में पन्नी से पहन के उस कीचड़ को ही उठा लिया गंदे को नाली को, गुरुदेव को सबसे घटिया वस्तु दे दिया। और थोड़ा सा मैं गुरुदेव के पास रख दूँ, गुरुदेव को दे नहीं सकता पर पास रख दूँ, गुरुदेव देखो ये है सबसे घटिया चीज़। तो ठीक है वो लेके चल दिया। जब लेके चल दिया रात भी की सोचते प्रसन्नता, हाँ भाई गुरुदेव ने जो मुझसे मांगा है मैंने वो ले लिया है गुरुदेव की इच्छा के अनुसार। ठीक है बस जैसे सुबह उठा और वो सोच के लिए गया, तो जब सोच के लिए गया तो वहाँ से उठा तो उसे वहाँ बहुत बदबू आई। मैं कह हाय हाय कितनी गंदी बदबू है यहाँ, तो दिमाग सड़ गया। तो उसने कहा कि यो तो उससे भी गंदा है, इससे भी घटिया है, तो गुरुदेव के लिए मैं यो ही ले लेता हूँ। तो बस उसने जैसे ही अपना मन मार के किसी प्रकार उसको उठाया वहाँ से, अपने मन को उठाया, तो वो मन उससे बोल पड़ा कि क्या मैं तुझे घटिया लगता हूँ। नुका हाँ तू घटिया ही है, नुका याद कर जब कल रात जिस दावत में तू गया था और वहाँ रसमलाई मालपुआ रबड़ी और मटर पनीर और नान और पता नहीं क्या क्या खा रहा था, तो क्या मैं वो घटिया था। नुका घटिया मैं नहीं था, तूने मुझे घटिया बनाया है। उसका तो दिमाग घूम गया, तो वो घटिया कौन है, तो सबसे घटिया वस्तु क्या हुई। तो उसका तो दिमाग घूम गया, तो वो तो गुरुदेव के जाके चरणों में समर्पित हो गया। गुरुदेव सबसे घटिया वस्तु मैं ही हूँ और मैं ही आपको अपने चरणों में समर्पित करता हूँ। तो जब ऐसे तो आज का दिन है, तो गुरुदेव के चरणों में आप अपने उस कुमन को जो आपके अंदर भरा पड़ा है गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। श्री गुरुदेव उसको सुमन बनाकर श्री राधा गोविंद जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, जिससे आप सब जीव का कल्याण हो जाएगा। वंशा कल्प के पास श्याम सुंदर प्रभु बोलेंगे, श्याम सुंदर दे इसको इधर बोले गो हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बार जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तीन बार बोलनी चाहिए और जोर से बोले हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री कृष्ण श्री चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर सभी भक्तपुरन के चरणों में यथाविधि प्रणाम। मुझसे कुछ कथा तो आती नहीं, लेकिन कुछ लाइन सुनाना चाहता हूँ गुरुदेव के चरणों में। सबसे पहले गुरुवर जी के मंगल में गुण गान की जय हो। सबसे पहले गुरुवर जी के
मंगल में गुण गान की जय हो। फिर महाप्रभु जी के महामंत्र की ओर उसे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देवी तरसते, जिनके स्वरूप को देवी तरसते, ऐसे संधि महान की जय हो। अरे आओ हम सब मिलकर बोले भक्ति वेदांत गुरुपन महाराज की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं। अगर सच्चा है कुछ जग में तो गुरु जी का प्यार सच्चा है। श्री गुरुदेव महाराज की। हर किसी की किस्मत में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंखों में जल क्यों नहीं होता, हर झील में पानी है, हर समुद्र में लहरें हैं, फिर सबकी महफिल में कमल क्यों नहीं होता, फिर सबकी महफिल में कमल क्यों नहीं होता। और तेरा रूप हर जगह अमर है भगवान, तेरा रूप हर जगह अमर है भगवान, फिर हर इंसान हमारे गुरु दीदी जैसा सरल क्यों नहीं होता। श्री गुरुदेव महाराज की। यहो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, अगर वन हो मरुफल तो कहीं पावन नहीं खिलते, के जिसके दिल में कि भगवान की मूरत नहीं होती, उसे पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं होते, उसे पत्थर ही दिखते हैं, कभी दर्शन नहीं होते, अगर वो आस था दिल में वो मंजिल पा ही जाते हैं, जो हो विश्वास कच्चा तो उठो कर खा ही जाते हैं, बुलाए जो सच्चे भाव से कहते हैं इस जग में, कहीं भी हो मगर सच है वो भगवान आ ही जाते हैं, कहीं भी हो मगर सच है वो भगवान आ ही जाते हैं। तो श्री गुरुदेव महाराज की। ये हमें मानव तन जो मिला है ना, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद मिला है, और ये मानव तन रूपी जो नैया है इसके पथवार हमारे गुरुदेव, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है कि मृत्यु लोक में इसके बाद तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसकी एक शर्त है जो गुरुदेव बताते हैं, हरिनाम मुख्यतः हरिनाम करना होगा, अगर हरिनाम नहीं करोगे तो गुरुदेव भी कहेंगे तुम इसी नर्क में हो, तो गुरुदेव की कृपा पात्र होना है तो हरिनाम गुरुदेव जो कहते हैं वो आज्ञा माननी होगी। मैं खुद भोगी हूँ, गुरुदेव की कृपा से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, वरना मैं आज यमलोक का वासी होता। अभी मैं बीमारी से ग्रस्त हुआ था कोरोना से, जब लोगों की जो है आपने सुना भी होगा, आज वो चला गया, आज वो उसका संस्कार हो गया, उस समय में मैं बड़ी गंभीर स्थिति में था, तो मैं खुद दर्शन किए यमलोक के, यमराज जी के,
और बाई तरफ भी दाई तरफ मुझे दिख रहे हैं कि खड़े हैं यमराज जी, लेकिन वो चेष्टा नहीं कर पा रहे हाथ लगाने की। वो किसकी कृपा है? वो गुरुदेव की। मेरे बाएं और कौन थे? गुरुदेव। गुरुदेव ने जो कृपा की है उसी बदौलत मैं आ गया हूँ, और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ मेरे में कृपा ऐसे ही रखे रखें। हरे कृष्ण। ओम अख्यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णमुक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद जय ओम श्रीपाद सुदशर श्री श्रीमद भक्ति विनाश दशगुरु महाराज के अनंत कोटि चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापित करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य दंड ग्रहण करता हूँ। अभी मेरे से पहले सभी लोगों ने गुरुदेव की महिमा का तो पूर्ण रूप से जो है बखान कर दिया, लेकिन फिर भी मैं जो है कुछ कहने की चेष्टा करूँगा। तो जैसे बताया गया है, शिष्य वही जो शौक ले गुरु का ज्ञान अगाध, अर्थात कहा गया है कि शिष्य को जो है अंधकार से बचा करके और अज्ञान से बचा करके जो है कि किसकी ओर ज्ञान की ओर जो है ले जाने का कार्य कौन कर सकता है सिर्फ इस जगत में, वो सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक युग में जो है गुरु की सत्ता परब्रह्म के समान जो है मानी गई है। गुरुविहीन संसार को कालरात्रि के भांति माना गया। जैसे कि एक छोटा बच्चा है और वो जब तक स्कूल में नहीं जाएगा या उसके माता पिता उसे कुछ नहीं सिखाएंगे तो उसके सामने क्या है, एक तरीके से अंधकार ही अंधकार है। तो गुरु को बताया गया कि वो हमें जो है अंधकार से जो है अज्ञान से ज्ञान की ओर तरफ ले जाते हैं, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अभी बहुत सारे प्रभु जी ने बताया था, अभी गजेंद्र प्रभु ने भी बताया था कि किस तरीके के लक्षण जो है शिष्य के होते हैं। तो अब मैं कुछ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव करते क्या हैं, तो बताया गया है यहाँ पर गुरुदेव एक ऐसे जो है लिंक हैं भगवान और भक्तों के बीच में। जैसे कि हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव के एक हाथ में तो जो है स्वयं राधा कृष्ण जो है हैं और एक हाथ जो है गुरुदेव का हमारे हाथों में है, मतलब हमारा हाथ पकड़े हुए हैं। तो गुरुदेव क्या करेंगे, गुरुदेव हमारे हाथ को भी जो है किससे मिला सकते हैं, कितनी शक्ति रखते हैं कि वो राधा कृष्ण से जो है हमारा मिलन करा सकते हैं, मतलब हमें उनकी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। गुरुदेव ऐसा सत्कार्य करते हैं। फिर अभी हम लोग सुनेंगे कि कैसे गुरुदेव को हमें जो है धारण करना चाहिए, क्या गुरुदेव के भी कोई लक्षण है, जिस प्रकार हम लोगों ने शिष्य के लक्षण सुने हैं उत्तम है कनिष्ठ है मध्यम है, इस तरीके से गुरुदेव के भी कुछ लक्षण बताए गए हैं। कि जगत में तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो सब गुरु बनने के लिए तैयार हैं, शिष्य बनने के लिए तो कोई तैयार है ही नहीं। तो गुरु बनने के लिए क्या लक्षण जो है उनके अंदर विद्यमान होने चाहिए, तो गुरुदेव के मुखारविंद से मैंने कई बार सुना है, उसमें से जो कुछ मेरी याद है वो बताता हूँ। तो उसमें से तीन लक्षण बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले बताया गया कि जगत में जो है चार शुद्ध परंपराएं हैं, चार शुद्ध परंपराओं में से कोई भी किसी एक परंपरा में अगर आता हो तो वो जो है गुरु कहलाने के योग्य है। जैसे कि हम लोग किस संप्रदाय में, गौड़ीय ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में है, तो उसी के अंदर हमारी गुरु परंपरा भी आती है और उसी गुरु परंपरा के अंदर हमारे शिला गुरुदेव आते हैं। तो एक ये लक्षण है हमारा कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि कौन जो है शुद्ध गुरु है। अभी संजय प्रभु बता रहे थे ना कि डुप्लीकेट भी बहुत सारे लोग हैं, चल जाता है कीर्तन में लिखा हुआ है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव प्राण। कृष्णम नारायण वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्विपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम व्यासम तद्भक्ताय नमो नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि सची पुत्र मद्र स्वरूपम। सर्वप्रथम मैं अपने परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम गुरु श्री ओम विष्णुपाद एकश्वर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, तथा उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव को यथायोग शिष्टाचार तथा दिवंगत प्रणाम। गुरु महिमा में हमने बहुत से जितने भी व्यक्त आए बहुत कुछ कहा, शिष्य के बारे में बहुत कहा,
गुरु केवल दो अक्षर, एक छोटा सा कहने का गुरु केवल दो अक्षरों का शब्द, परंतु उसकी व्यापकता जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरु जमा गु जमा रू, गु अंधकार, रू प्रकाश। अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाने को ही सदगुरु कहते हैं। अब यह सदगुरु कैसा हो? सदगुरु सत संप्रदाय में आदव गुरु पदाश्रत स्मात तिरसम दीक्षा शिक्षणम, जो चारों संप्रदाय में शिक्षित गुरु हो वही हमें गुरु धारण करना चाहिए। इस संसार में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। बहवा गुरुवो संति शिष्य विताप हार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य विताप हार का। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस संसार कोई कमी नहीं है, इतने गुरु हैं, इतनी संख्या है, पर मैं कैसे गुरु हैं जो शिष्यों के वित्त का हरण करने वाले हैं? परंतु ऐसे तो बहुत दुर्लभ गुरु हैं जो शिष्यों के संताप का हरण करने वाले हैं। अब या कबीर दास जी ने कितनी बढ़िया गुरु महिमा सबने सुनाई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु हरि रूठे गुरु मिले, गुरु होत सहाय, गुरु रूठे हरि मिले हरि नहीं होत सहाय। यदि हरि रूठ जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं तो हमारा कल्याण कर देते हैं, परंतु यदि गुरु ही नाराज होते हैं और हरि मिल जाते हैं तो हरि भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। उनकी महिमा में कितना कहा, सारी धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सातो समुद्र की मसी करूं गुरुगुण लिखा न जाए कबीरा, गुरुगुण लिखा न जाए। अब यह गुरु जो है, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि चिंतामणि जो है वह केवल लौकिक संपदा दे सकती है, और सुरद्रु कल्प वृक्ष जो है वो केवल जो है हमें स्वर्ग की संपदा देते हैं। यदि गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो जो वो योग योग भी दुर्लभ धाम है वैकुंठ धाम परम धाम, उसको भी गुरु जो है दे देते हैं। अनंत कोटि गुरु अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, अनंत कोटि रसिक जन, अनंत कोटि मेरे गुरुजन, मैं जन्म जन्म से आपके चरणों की धूल कण, मुझको ले लो अपनी शरण, मेरे मन की हटा दो भटकन, लगा दो मुझको कृष्ण चरण, लगा दो मुझको गौर चरण। अपराध यदि मुझसे बन गया हो आपके चरणारविंद में, जाने में अनजाने में किसी जन या इसी जन्म, क्षमा करो मेरे गुरुजन, मैं आपकी चरण शरण। पापी हूँ अपराधी हूँ खोटा हूँ या खरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, मेरी ओर निहारो गुरुदेव कृपा दृष्टि विस्तारो, हे मेरे प्राण धन निभा लो अब तो अपनापन, मेरे जन्म जन्म के गुरुजन, मेरे जन्म जन्म के गुरुजन। थोड़ा देना सर, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण कृष्णा मोम बिच्छू पाना थे बट्टा बोटा।
सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसलिए गतकल्य श्री व्यास देव का जन्म तिथि था और ये व्यास देव का जन्म तिथि में हम सबके सब श्री अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं। अभी प्रश्न है, हम ये व्यास पूर्णिमा क्यों बना रहे हैं? इतने लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं? इसका क्या रहस्य है? आप लोग श्रवण कर रहे थे कि व्यास देव और कोई नहीं बोले व्यास नारायण स्वयं। ये व्यास देव साक्षात भगवान नारायण भगवान कृष्ण हैं। इसलिए जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जैसे मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण जब ये जगत छोड़ करके चले गए, लेकिन हम सबके सब कौन है? अमृतस्य पुत्रा यतना तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुस्य सखा तमेव। भगवान ही हमारे असली पिता माता भाई बंधु। लेकिन भगवान सोच रहे हैं अभी क्या हुआ, हम सबके सब भगवान को अपना पिता माता छोड़ करके यहाँ पर सब डुप्लीकेट पिता माता भाई बंधु बना दिया। इसलिए ये संसार में सबके सब हम दूर हो कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने देखा ये जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि जब तक ये जीव मेरे शरण में नहीं आता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के हैं इंद्र चंद्र कुल नचेंद्र से सुखम नास्ती, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती राजा भी सुखी नहीं, और रावण जैसे व्यक्ति भी राम से विमुख होकर के उनको भी सुख नहीं मिला। इसलिए सुख शांति मिलेगा कब? जब हम श्री ठाकुर जी के शरण में जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के चरण में ही अशोक अभय और अमृत, ये ठाकुर जी के चरण में। इसलिए भगवान सोच रहे हैं अभी ये तो मेरे बच्चे हैं, हम सब के सब भगवान के बच्चे हैं, अभी प्रश्न उनके पास हम जाए कैसे? लेकिन वो असली घर को छोड़कर तो यहाँ नकली घर बना दिया है, जन्म जन्मांतर में बना रहे हैं छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं छोड़ रहे हैं, अब इनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए भगवान जगत में व्यास रूप में आए। अरे व्यास रूप में आकर के अब लोग श्रवण कर रहे थे, सारे ग्रंथों को उन्होंने विस्तार किया, सारे शास्त्रों को रचना की, तब भी जब शांति नहीं मिली, जब नारद जी आकर के बताए जब तक बोले जथा धर्म जय सार्था मुनि बर्ज्या नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले देख व्यास देव, तुम इतने ग्रंथ रचना करके दुखी क्यों? कारण है तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान करो, कैसे सुख भोग करो, स्वर्ग तक भी जाओ, रंभा उर्वशी मेनकाओं के साथ में खूब घूमा खूब आनंद लो, लेकिन ये थोड़ी जीव का धर्म है। जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव तो भगवान की संतान है, जब तक ये जीव ठाकुर के शरण में नहीं जाएगा,
ठाकुर जी की भक्ति नहीं करेगा, भले ही जीवन में जो कुछ कर दे उसको शांति बेटा नहीं मिलेगा। इसलिए तुमने असली बात तो बताया नहीं, भगवान के शुद्ध रूप में भक्ति की बात बताया नहीं, भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्रभु की कथा नहीं सुनाया, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। अगर तुम जीवन में शांति पाना चाहते हो क्या करो, भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। जैसे हम बैठ करके देखो करके दो घंटा से बैठे हैं, लेकिन देखो यद्यपि हम तन से मन से धन से दुखी दुखी, लेकिन अभी कोई दुख तुम्हारी याद है क्या? कोई दुख कष्ट याद नहीं। क्यों? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम करते हैं, ठाकुर की गोद में हम बैठे हुए होते हैं। इसलिए अगर हर समय ऐसे प्रभु का भजन में कीर्तन में रहे तो आनंद ही आ सुखी सुख। इसलिए श्री नारद जी बोले जब तक तुम भगवान की सुंदर सुंदर कथा नहीं सुनाओगे तब तक तुम शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम ये भागवत ग्रंथ रचना करो। तब व्यास देव ने कहते भक्ति योगेन सम्यक प्रणहित अमले अपस्यम पुरुषम पूर्णं मायाच तत्पाश्रय। तब उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से ठाकुर का संपूर्ण गोलोक वृंदावन दर्शन किया, कैसे राधा कृष्ण कैसे दिव्य कल्प वृक्षों के नीचे कैसे खड़े, अपना सखियों के साथ में कृष्ण कैसे गैया चरा रहे हैं, गोपियों के साथ में कैसे सुंदर रास रचा रहे हैं, कैसे कृष्ण गिरिराज धारण किए, कैसे कृष्ण अजन्मा होते हुए भी कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और सारे ब्रजवासी कैसे हैं बोले जियो श्याम लाला जियो नंद लाला किली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो नंद लाला किली तेरी पगड़ी। इसने देखा कैसे कृष्ण कैसे जन्म उत्सव हो रहा है, और आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे। उन्होंने देखा कैसे कृष्ण होली आनंद आ रहे कि नहीं प्रभु का कीर्तन कथा, इसलिए उन्होंने पूरा लीलाओं को दर्शन किया और ग्रंथ को रचना किया। और जिस ग्रंथ को पढ़ करके गीता भागवत को हमें पता चल रहा है भगवान कौन है, उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए, भजन कैसे करनी चाहिए, अगर ये ग्रंथ नहीं होता तो हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं गले में कंठी माला तिलक और भजन कर रहे हैं कभी करते करते भगवान कौन इस विषय में पता ही नहीं चलता। लेकिन ये किसकी कृपा? श्री व्यास देव का कृपा है। भगवान ही स्वयं श्री व्यास रूप में आकर के सारे ग्रंथ को उन्होंने विस्तार किया है। इसलिए आज हम थोड़ी बहुत भगवान के बारे में हमें पता चल रहा है। अभी ये प्रश्न आता है भैया कल तो भगवान व्यासदेव का जन्म थे, फिर हम सारी गुरु परंपरा भी यहाँ पर खड़े करते हैं, हमारे गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु सब गुरु परंपरा उसको निचरा बचाओ, इसलिए सारे गुरु परंपरा को हमने खड़े कर दिया यहाँ पर। बोले ये इनको क्यों आप लोगों ने पूजा कर रहे हो? बोले कारण है व्यास मतलब होता है जो भगवान की कथा को प्रेम को भक्ति को जो विस्तार करे। इसलिए हमारे गुरुजी भी आकर के यही काम कर रहे हैं। गुरुजी आकर क्या कर रहे हैं? वही तो भगवान की कथा सुना रहे हैं ना। ठाकुर जी का तो कथा सुना रहे हैं, अपना कथा तो नहीं सुना रहे हैं। गीता भागवत रामायण के तो हमें कथा सुनाते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव को भी हम व्यास कहते हैं, मतलब जगत में जो भक्ति हरि भक्ति को जो जगत में विस्तार करते हैं। अभी प्रश्न है जैसे हम व्यास पूजा करने के लिए आए, कहते व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है? जैसे साधारण लोग आज का दिन क्या ले जाते हैं? गुरु जी के लिए गले में फूल की माला पहनाने ले जाते हैं, कुछ प्रणाम ले जाते हैं, कुछ कपड़ा लता ले जाते हैं, गुरु जी के चरण में चढ़ाते हैं, है आज का दिन कद ये तो करनी चाहिए। लेकिन असली जो व्यास पूजा है गुरुदेव का जो हृदय के भाव को समझ करके उनकी आदेश को पालन करते हुए अभी आगे ये भक्ति को बढ़ानी चाहिए और अपना जीवन में ये भगवत भक्ति को अपना जीवन में उतारनी चाहिए। अगर गुरु जी की अगर भावना को समझ करके गुरुदेव का उपदेश को भजन पद्धति को अगर हमने अपना जीवन में उतार लिया तो समझो आज हमारी व्यास पूजा हो गई। अभी प्रश्न गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं? इसलिए आप लोग भागवत सुने होंगे जब श्री नारद जी ध्रुव जी को कृष्ण मंत्र दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जब उन्होंने मंत्र दिया जब ध्रुव जी 6 महीना में जब उन्होंने भगवत दर्शन किया, दर्शन करते हुए जब वैकुंठ लोग जा रहे थे
नारद इतने प्रसन्न हो रहे थे, बिना बजा बजा करके नाच नाच करके गा रहे, आनंद ले रहे थे। बोले क्यों? बोले आज मेरी कृपा से, आज मैंने चूंकि मंत्र प्रदान किया है, अभी उन्होंने मेरे मंत्र को जप करते हुए कहाँ जा रहे हैं? भगवान का धाम जा रहे हैं। सचमुच से हमारी मंत्र देना सार्थकता होगी आज, इसलिए नारद जी खुश होते हैं। बोले गुरुदेव सबसे ज्यादा कब खुश होते हैं? जब गुरु जी का दिया हुआ उपदेश को जब हम अपना जीवन में उतारते हुए जब भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुदेव सबसे ज्यादा उसमें संतुष्ट होते हैं। अभी गुरु जी हमें दिया क्या? बोले गुरु जी हमें तीन चीज दिया। कितना चीज दिया? तीन। बोले तीन चीज क्या दिया? पहले गले में तुलसी की कंठी दी है। किसने दिया? गुरुदेव ने। उसको बाद में गुरुदेव ने तिलक दिया, फिर उसको बाद में गुरुदेव ने माला चोली। तीन चीज दिया है, इसलिए हम उदाहरण देते हैं ना, जैसे अगर विदेश जाना हो तुमको, तुम्हारे पास में तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या है? पासपोर्ट, वीजा और टिकट। अगर ये तीन चीज हो ना, आप विदेश में जा सकते हो। अगर गोलोक वृंदावन, अगर कोई राधा रानी को पास में जाना चाहते हैं, आपको पास में जरूर ये तीन चीज होनी चाहिए, फिर तो ठाकुर को पास में जाने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकते हैं। पहला नंबर पासपोर्ट, मतलब गले में कंठी। अभी देखो ध्यान देकर सुनो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरु जी से हमने एक बार कंठी पहन लिया, गुरुदेव कहते अगर किसी कारण से गले से कंठी उतर गया, गुरुदेव कहते जब तक दो बार कंठी नहीं पहनो तब तक पानी तक भी मत पिया करो, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं जो कुछ बोलते हैं वो गले में तुलसी कंठी है, इसको स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है। और जब महाराज क्या कहते हैं, अभी बोल रहे थे ना, जिसकी गले में तुलसी कंठी नहीं वो मूढ़ और इंसान में अधम है। इसलिए बोले तुलसी हार नापड जे चार, ये तुलसी ये असली हार है, सोना चांदी असली हार नहीं। वो मरने से पहले सब उतार कर ले जाएंगे, सब के सब साथ में चलने वाले नहीं। अगर गले में तुलसी कंठी रहेगा ना, कभी आप जमपुरी नहीं जाओगे। हैं, मैं कहता ना दो तरह के कुत्ता, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता का क्या लक्षण है? कहते उसको गले में पट्टा वो बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं, उसको कोई कुछ नहीं मारते बोलते। अगर गले में पट्टा नहीं तो फालतू है, इसलिए फालतू को कोई मारते नहीं, फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? फालतू बननी चाहिए। हैं, इसलिए पहला नंबर कंठी गले से कभी नहीं उतरनी चाहिए। हैं, हर समय गले में हमारी कंठी, हर समय हमारी गले में रहनी चाहिए, गुरुदेव कहते थे। दूसरे नंबर तिलक, तिलक तो जरूर होनी चाहिए। ये तुम्हारी भीजा है कि गोपियों की चरण धुली, ऐसे नहीं मंदिर में आओ चलो गुरु जी डांट लगाए कि तिलक लगा कर चले जाओ, नहीं। वैष्णव का सर्वप्रथम धर्म है, जैसे सधवा स्त्री स्नान को साथ साथ में देखना, जब तक वो मांग नहीं भर लेती है ना, जब तक सिंदूर नहीं लगाती है पति को सामने नहीं जाती है। जाती है मतलब मांग भरे सिंदूर लगाते क्यों? पति की दीर्घायु हो, उसकी उम्र हो, उसका जस हो। उसी तरह जब हम ठाकुर जी को पास में जाते हैं, ठाकुर जी हमारी तीन चीज को देखते हैं। क्या तीन चीज? जैसे स्त्री की मांग भरा हुआ सिंदूर मंगलसूत्र देख करके क्या होता है? पति खुश हो जाता है। अगर इसको उतार करके विधवा बन करके चले जाओ, पति खुश होगा, बोलेगा जीता रहते रहते क्या मैंने खत्म कर दिया तुमने, मार डाले तुमने। उसी तरह जब ठाकुर को सामने जाओगे, भगवान को सामने, ठाकुर जी जब कंठे में गली तिलक और माला देखेंगे ना, भले तुम मेरे को मानती हो, अगर ये तीन चीज नहीं तुम्हारे पास में, दो चीज नहीं, भले ही जितना बोल दे तू मेरा और मैं तेरा, भगवान और तेरे से कोई मतलब नहीं है, तेरे से कोई संबंध नहीं। दुनिया की पति के लिए तुमने इतने इतने सब लगा दिए, लेकिन मेरे लिए क्या चीन है तुम्हारे पास में? कोई चीन ही नहीं तेरे पास में। इसलिए गले में कंठी कभी नहीं उतरनी चाहिए। कभी तिलक सबसे पहले नहा धो करके सर्वप्रथम जो सधवा स्त्री लगाती है, सबसे पहले तिलक लगाओ। पुराण कहता है तिलक के बगैर, जैसे ब्राह्मण घर में आता है अगर तिलक नहीं लगाएगा ना, पूजा ही नहीं करवाएगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। इसलिए तिलक के बगैर कोई सेवा पूजा करोगे तो वो भी निष्फल हो जाता है। इसलिए तिलक को पक्की रखना। क्या करना? तिलक को पक्की रखना। अगर कोई ऑफिस में जाते हो, कहीं काम में जाते हो, अगर इसके लिए हो लेकिन हल्का तिलक लगाओ। अगर पूरा तिलक नहीं करो, गाड़ी में नहीं लगाओ तो हल्का रूप में तिलक लगाया करो। तिलक के बगैर नहीं रहनी चाहिए, हैं, नहीं तो ठाकुर जी खुश नहीं होंगे। और जो तीसरी चीज है, ये क्या है? टिकट।
टिकट क्या है? भगवान की नाम। बस अंतिम समय में तुम्हारी यही काम आएगा। महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को ये हरि नाम दिया। हरि नाम को कैसे? बोले यह जप किया सबे करिया निर्बंध। ये हरि नाम को नियम करके मतलब जैसे एक दिन इच्छा हुआ तो जप कर लिया, नहीं तो दूसरे दिन जहाँ के तहाँ लटक रहा। इसलिए गुरुदेव कहते थे, कभी भी ये माला को भूखे मत रखा करो। गुरुदेव जब हरि नाम दिए हैं, साक्षात हमें कृष्ण को दे दिया। किसको दे दिया? कृष्ण दे दिया। अगर एक दिन स्नान मत करो, एक दिन कपड़ा मत बदलाओ, है भोजन नहीं करो, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं, एक दिन अगर तुमने माला जप नहीं की तो क्या हो गया? उस दिन ठाकुर जी भूखे रह गए, कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी स्नान नहीं किया, खुद भूखे रह जाओ। लेकिन माला को कभी भूखे नहीं रखनी चाहिए। क्यों? अंतिम समय में यही तुम्हारी काम में आएगा और कोई भी काम में आने वाले नहीं। इसलिए इसको माला को नियमित पूर्वक माला को जप करो। अगर ये तीन चीज गुरुदेव ने दिया है, इसलिए आज व्यास पूजा का दिन क्या करो, ये तीन चीज को पक्के कर लो, हैं पक्के कर लो। और देखो कौन कौन व्यक्ति ये हरिनाम कंठी माला तिलों को सही सही पालन करते हैं। मैंने देखा केवल जितने लोग मंदिर में आते रहते हैं ना कथा सुनने के लिए, उतना आपको ही देखता हूँ ये तिलक कंठी माला पहनते हैं। और जो कथा में कोई साल में एक बार आ गए, एक दिन बड़े गुरु जी थे, कोई शिष्य आए, बोले गुरु जी मेरे को पहचान रहे हो? गुरु जी बोले तू कौन हो? बोले गुरु जी मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे को पहचान नहीं रहे हो? गुरु जी ने पूछा कितना दिन के बाद? बोले एक साल में आया। बोले तू एक साल में आया और कहते गुरु जी मेरे को पहचान नहीं रहे? इसलिए उनकी भक्ति ही सही भक्ति, वही लोग मैं देखता हूँ भजन तिलक कंठी सही है जो मंदिर में आते रहते हैं कीर्तन कथा में। और जो नहीं आते हैं ना कुछ दिन बाद में, देखो तो गले में कंठी नहीं तिलक नहीं और माला फुला तो कहाँ फेंक पा। क्यों? महाराज के महाप्रभु कहते हैं जैसे पौधा लगाए, अगर पौधा में पानी नहीं दोगे तो पौधा कब तक रहेगा? गमला में पहले पौधा लगाते हैं ना, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक रहेगा? तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जो हरि कथा है ना, ये पानी है। अगर हरि कथा नहीं सुनोगे, गुरु जी से माला लेकर बस गया घर में, लेकिन कथा पता से कोई मतलब नहीं, सारे सब उतर जाएगी। इसलिए कोशिश करो, यहाँ पर कथा होती है, शाम को सवेरे कथा होती है, कोशिश करो जरूर कथा में आने के लिए। अगर रोज रोज नहीं आ पाती हो, बीच बीच में कथा में आओ। हाँ, कितना बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई। हरि कथा के द्वारा ही हमें उत्साह और उसमें भजन करने की हमारी भावना बनी। ठीक है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है और कोशिश करना आसपास में जिन जिनों का घर है आसपास में, कोशिश करना मंगल आरती में आने के लिए। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति मंगल आरती दर्शन करते हैं ना, उनका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, उनका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता है। देखो शुभम को या शुभ इसके पिता माता आते हैं, देखो इनको पत्नी को एक साथ में ठाकुर जी दो बच्चे दे दिए, घर में कृष्ण और राधा रानी दोनों आ गए। और इनको ये रोज रोज मंगल आरती में आते हैं और कथा सुनते हैं, कथा सुन करके जितना हो जाता मंदिर को साफ सुथरा करके यहाँ से जाते हैं। अगर जो व्यक्ति मंगल आरती दर्शन करने के लिए आओगे ना, तुम देख लेना, कहते जब ठाकुर का दरवाजा खुलता है ना, उसका पहला नजर उसको पर पड़ता है। इसलिए कहते मंगल भवन अमंगल हरि। मंगल आरती गुरुदेव कहते जो मंगल आरती दर्शन करेगा वो हर्ष में फलते फूलते रहेगा, घर में किसी चीज को कभी कमी नहीं होगी। गुरुदेव कहते थे क्योंकि सवेरे जब ठाकुर का दृष्टि पड़ता है उसके ऊपर में, सारे अमंगल घर की चली जाती है। इसलिए हम देखते हैं जो मंगल आरती में आता है ना, ठाकुर का मंगल ही मंगल करते हैं, कभी अमंगल हो ही नहीं सकते। सवेरे आओ ठाकुर से कोई चीज मांगो, ठाकुर का जो पर्दा खुलता है, कोई भी चीज दिल से मांगोगे ना, ठाकुर तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। ये गुरुदेव खुद कहते थे ये बात को। इसलिए जिनको आस पास में घर है, कोशिश करना मंगल आरती में आने के लिए और भगवान का भजन करो, भक्ति करो और जीवन में खुशी में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। और ये कहे जैसे हमारे अभी मंदिर बनने जा रहा है, अभी ठाकुर जी के मंदिर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं मंदिर के लिए। देखो आप लोगों का सभी का अपना घर घर होगा, होगा कि नहीं? सबका घर है,
आप लोगों ने घर बनाया, लेकिन हमारे कृष्ण कहते हैं उद्धव अगर कहीं हमारी मंदिर बन रहा है, हैं? अगर कोई मंदिर बन रहा है उसमें एक ईंट भी अगर कोई दे देना, कहते उसी के लिए मैं गोलोक वृंदावन में राज महल बना देता हूँ। भगवान खुद कहते राज महल बना देता हूँ, भगवान के मंदिर में देने का इतने पुण्य है। इसलिए अभी मंदिर बनेगा, आप लोग तन मन धन से अगर आप लोग सहयोग करोगे तो तभी तो ये मंदिर बन सकता है। मेरे से तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ प्रभु लोग बैठे हुए हैं, हाँ ये लोग बहुत दिए हैं जो चीज़ को ठाकुर जानते हैं। अब देखना बेटी की शादी हो ना करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन जब भगवान की मंदिर के लिए बोलो ना, बोले हमारे पास पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ हमारे पास में नहीं। जितने हो सके तुम्हारी समर्थ से जितने हो सके, सुदामा दो मिट्टी चिढ़ा दिया तो भगवान त्रिभुवन का राज्य बना दिया। हम जो कुछ भगवान की सेवा में देंगे ना मंदिर के लिए, कितने लोग मंदिर में आते हैं उनका, जैसे यहाँ पर कितने भक्त लोग आए तथा उनका कितना कल्याण होगा। इसलिए यहाँ सचमुच से जो कुछ दोगे ना ठाकुर के ऊपर में रजिस्टर में राधा रानी के रजिस्टर में चढ़ जाएगी। ये शास्त्र कहता है जो कुछ मंदिर सेवा तो राधा रानी के रजिस्टर में चढ़ जाएगी। जब वहाँ जाओगे ना मीरा क्या कहती हैं, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए जितना दोगे ऊपर जाकर के देखना, इसी जगत में देखना कोई व्यक्ति करोड़पति पैसा कहाँ लगाएगा उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति रोडपति, कोई करोड़पति, कोई रोडपति किसको कुछ घर में खाने के लिए नहीं, क्यों ये करोड़पति क्यों बना? कारण है पहले उसने दिया है उसको, जैसे बैंक के बैलेंस होगा तो मिलेगा ना। जो व्यक्ति पहले दिया हुआ, जो करोड़पति पहले क्या दिया है ठाकुर को सेवा किया, अभी बैठ बैठ कर मिल रहा है। अगर अगले जीवन में चाहते हैं खूब फलते फूलते रहे, खूब आए, जब इसी जीवन में दोगे फिर अगले जीवन में माला ही माला आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग सबके सब कोशिश करना कुछ कुछ देने के लिए। जैसे मंदिर बन जाएगा तो हम सोच रहे हैं बड़ोदरा में अच्छे सुंदर मंदिर बने, हमारे भक्त लोग आए कीर्तन कथा हो, प्रभु का नाम हो। और इस बार जन्माष्टमी को प्रभु हम कोशिश करेंगे, इस बार मुझे लगता है नोएडा में वो लोग जन्माष्टमी में नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वो थोड़ा शहर में ना, कल हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे थे, पुलिस वहाँ पर आकर कटोट कर, इसलिए जीत प्रभु ने कहा हम नहीं बनाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे हमारे जैसे बोधन बंसी बोधन प्रभु कोशिश करेंगे लाने के लिए। इस बार होगा तो मैं भी इस बार में कोशिश करूँगा रहने के लिए। हम लोग जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे और कोशिश करेंगे, होगा तो 7 दिन तक ये भागवत कथा करेंगे। अगर कोरोना ठीक ठीक रहा ना फिर रथ को भी हम कोशिश करेंगे, अगर कोरोना अगर ज़्यादा नहीं चला तो रथ भी, 2 साल से रथ यात्रा नहीं हुई, हम कोशिश करेंगे बड़े धूमधाम से जैसे रथ यात्रा भी ये बड़ौदे से निकले, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी आज के आनंद की, आप सबके लिए हाँ प्रसाद की तैयारी है, सब लोग प्रसाद पा करके जाना। हाँ आप लोग जिनको पूजा करना है ना, जैसे यहाँ पर गुरु जी के चरण में कुछ चढ़ाना पूजा करना, हम लोग एक एक आकर पूजा करके चले जाना, ठीक है। बोला हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बहुत सुंदर माइक।